अफ्रीका की बात चल रही है, अफ्रीका में विकास क्यों नहीं है? अफ्रीका का विकास क्यों नहीं है? फ्रीडम हाउस एक संस्था है, इसने सोमालिया पर एक रिपोर्ट दी है। फ्रीडम हाउस एक संस्था है, इसने सोमालिया पर एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया किसी तरह से एक देश बनने की कोशिश कर रहा है। यहां पर तानाशाही थी 1991 तक। 1991 के बाद यहां सरकार गिर गई और उसके बाद 2012 में एक तरह के चुनाव हुए, इनडायरेक्ट चुनाव। 1991 से 2012 अगर चलें तो 23 साल यहां पर कोई चुनाव नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ 2016। इट हैज एस्टैब्लिश 5 राज्य बना चुका है, अभी और बनने बाकी हैं, अभी देश बना नहीं है। मुख्यतः सब के सब स्वायत्त क्षेत्र हैं, यहाँ अपने कबीले चलते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंकवाद है। यहाँ की सरकार और शबाब के बीच में लड़ाई चलती रहती है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी है, ह्यूमन राइट्स बिल्कुल नहीं ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस क्षेत्र को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ये है सोमालिया। लगभग 25 से 30 साल यहाँ कोई सरकार नहीं, यहाँ केवल दो तरह के लोग रहते हैं, एक जिनके पास बंदूक है और एक जिनके पास बंदूक नहीं है। आप समझ सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। गुड इवनिंग, वेलकम, अफ्रीका की क्लास में आपका स्वागत है। यहां से शुरुआत क्यों की? कुछ लोगों ने बहुत ही बेतुका सा प्रश्न पूछा कल की क्लास के बाद कि सर अफ्रीका में सुधार नहीं है, कि वहां कोई सरकार कुछ नहीं करती है क्या? सर वहां कल कारखाने नहीं चला सकते हैं? सब जगह खून है, सब जगह लड़ाई है, छोटे छोटे कबीले हैं, इनको यूएन जिंदा रखता है, यूएन फूड एड पर जिंदा रहते हैं। ऐसा बचकाना सवाल आता है तो मुझे लगा कि आज की शाम ऐसे ही क्यों ना शुरू करें। गुड इवनिंग, वेलकम, जो लोग पहली बार क्लास में आए हैं मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सचिन अरोड़ा है, मैं आपकी विश्व भूगोल की क्लास ले रहा हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो गलत आए हैं, पिछली क्लासेस में चले जाइए, थोड़ी सी आपको प्रक्रिया पता चल जाएगी किस तरह से पढ़ाई करनी है। ये केवल हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हालत नहीं, बहुत सारी जगहों की हालत है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, अफ्रीका में, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अफ्रीका के विकास में बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिर किसी ने एक बहुत अच्छा सवाल भेजा मुझे और इस सवाल पे मुझे हंसी भी आई। सर भारत अपनी टेक्नोलॉजी और संसाधनों से खनन करे और अफ्रीका के खनिज निकाल ले, अफ्रीका की इंडस्ट्री में डाल दे और खूब सारा उन्हें रोजगार दे दे, और सर सोचिए कितनी जल्दी अफ्रीका वाले विकसित हो जाएंगे। अच्छा सपना है, अच्छा सपना है। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में पिछड़े राज्य हैं? अगर यही भारत बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में ये कर दे तो अफ्रीका कहाँ है? ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वैकी वैकी बातें करते हो, खासकर ऐसे लोग, मुझे लगता है ये भारतीय मूल के हैं कि नहीं, एनआरआई हैं क्या ये सब लोग? एनआरआई हैं क्या जो ऐसी बात करते हैं? सर भारत अपनी तकनीक लेकर जाए और अफ्रीका का विकास कर दे अपने घर में, ऐसे लगा मुझे। एनआरआई बात तो बड़ी देशभक्ति की करते हैं बट भारत की चुनौतियों से नहीं निपटना चाहते, और मुझे लगता है अफ्रीका का विकास अफ्रीकी लोगों के पास है, आपके मेरे पास नहीं है। बहुत से उपनिवेशिक ताकतों ने जाकर अफ्रीका को लूटा और आज भी चीन एक नया आर्थिक उपनिवेश वहां पर कर रहा है, वहां भी तो लूट की सोच। और क्यों नहीं उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं के विकास की शैली को वहां पे पनपने दिया जाए। तो विचार अच्छा था सर, भारत अपनी तकनीक लेकर जाएगा, कहां हो एनआरआई साहब, है ना? बोले भारत जाके अफ्रीका का विकास कर देगा, बहुत अच्छी बात। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीका में कई देश अपने देश में प्रोजेक्ट निकालते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, कि आइए यहां पर जल विद्युत का एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये प्रोजेक्ट ले लीजिए, वो प्रोजेक्ट ले लीजिए। भारतीय कंपनियां वहां जाकर अपना दावा पेश करती हैं और साथ ही में चाइनीज कंपनियां भी दावा पेश करती हैं। और अफ्रीका के देश ऐसे हैं कि ना तो उनके पास पैसा है ना कुछ है, तो वो कहते हैं कि चलिए आप दावा पेश करिए, तो भारतीय कंपनी जाकर कहती है देखिए हम आपके यहां विकास कार्य कर देंगे, आप इतना इतना पैसा जुगाड़ लीजिए।
ना क्या कहता है, हम यहाँ पे विकास कार्य करेंगे, पैसा जुगाड़ने की जरूरत नहीं, ये हमारा बैंक है, ये चाइना का बैंक आपको पैसा भी दे देगा, पैसा भी हम लाएंगे, विकास भी हम लाएंगे और साहूकारी भी हम करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, कई टेंडर निकलते हैं जिसमें भारत भी होता है, चीन भी होता है, चीन वो टेंडर ले जाता है। ठीक है, तो ऐसी वाली बातें ना करें, अजीब अजीब सी बातें कि सर वहां सरकार होगी। सर 25 साल से, 25 साल से यहां पर सरकार नहीं। और आपको बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा कि एक देश है हमारे पास बुरुंडी, अफ्रीका का एक देश है बुरुंडी, इसकी 80% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, 80% से ज्यादा इसकी आबादी गरीबी रेखा से नीचे। ठीक है, इसकी 26% आबादी ये चाइल्ड लेबर में, 26% इस देश की आबादी, और इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनाथ बच्चे हैं, 7 लाख बच्चे अनाथ। साथ में क्या होगा, आतंकवाद होगा, सरकार नहीं होगी, अराजकता होगी। पहली चीज क्या, सोचिए सोचिए, कल आपको एक सोच दी थी, एक सोच दी थी, अफ्रीका का एक परिचय दिया था कि अफ्रीका मात्र देश और उनकी राजधानी नहीं है, अफ्रीका एक सोच है। बट हम कहां फंसे हुए, हम वहां फंसे हुए कि सर हमें तो एटलस में कुछ मिल नहीं रहा। सोचो, 7 लाख अनाथ बच्चे, इनको खाना मिल जाए बड़ी बात है, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, और आपके सामने एक एटलस है और एटलस से नहीं ढूंढ सकते। और यहीं पे मैं जब चैट पढ़ता हूं तो बहुत से छात्र ऐसा भी लिखते हैं कि सर मुझे तो सब चीजें मिल गई। तो जैसे मुझे एक भी छात्र कह देता है कि मुझे सब चीजें मिल गई, तो मुझे पता है एटलस में है। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे। एक बहुत ही उत्साहित करने वाला, प्रेरित करने वाला एक चैट भी आया था, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। सर मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ, बीपीएससी भी पढ़ रही हूँ, खान सर के फाउंडेशन बैच में पढ़ती हूँ, पूरे दिन क्लास करती हूँ और शाम को आपकी क्लास करती हूँ। उस क्लास के बाद मेरी ऊर्जा बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे सुबह की हो। बहुत अच्छी बात है यार, सारी क्लासेस सारे दिन में अगर क्लास रुचिकर लगती, मुझे नहीं पता कितने लोगों को एक क्लास बोझ लगती होगी, मुझे मेरे ये 1-2 घंटे ऐसे उड़ते दिखाई देते हैं। इतने सारे प्रेरित बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पर इन विचारों को आगे ले जाएंगे, करियर में तो ले ही जाएंगे, जहां अवसर मिला वहां योगदान भी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ऐसा कहीं पे अटकता होगा। तो इस प्रेरणा के लिए धन्यवाद जिसने भी ये चैट दिया होगा, और बाकी लोग के लिए भी, खूब मजे से करिए और चीजों को रटने से आगे बढ़िए। चीजों को रटने के परे थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी कल्पना डालिए। एक किसी का प्रश्न है, सर पहले आप भारत भूगोल पढ़ाते या विश्व का भूगोल क्यों पढ़ाने लगे आप, तभी तो ज्यादा समझ में आएगा। हमको ये नहीं समझ में आता, जब प्लेटें टकराती हैं, बच्चों ये बताइए, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो वलित पर्वत का निर्माण होता है कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया, दो प्लेटें टकराती हैं, वलित पर्वत का निर्माण होता है, ऐसे बने रॉकीज। और मैंने वहीं पर कह दिया था ऐसे ही बने हिमालय, कहा था कि नहीं कहा था। तो एक बात बताइए, हिमालय के भूगोल में प्लेटें के अलग तरह से टकराएंगी, वो लॉकडाउन में अचानक वो महाभारत और रामायण का रीटेलीकास्ट किया दूरदर्शन में, तो उसमें भगवान राम के बाण आते थे ऐसे, और उसके बाद रावण के बाण आते थे, वो थोड़ी देर चमकते थे, चम 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 चम, और फिर रावण का बाण गायब हो जाता था। ऐसा होता था कि नहीं, याद है कि नहीं याद है, ऐसे दो बाण आते थे और रावण का बाण गायब हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर प्लेटों को टकराना है और मुड़ना है, फिर चाहे भारत का भूगोल हो चाहे अफ्रीका का भूगोल हो, फर्क कैसे पड़ेगा। बट सर भारत तो मुझे आता है। अच्छा, अगर भारत का भूगोल शुरू कर देता ना, तो सच में इतनी ही जानकारी हमारे छात्रों के पास कि उन्हें तो लगभग एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो देश को जानो बच्चों, ऐसा ना कहो बहाने क्यों ढूंढने, हमें बहाने तब ढूंढने होते हैं जब हम सिंपल प्रक्रिया नहीं कर रहे। बहाना किसे चाहिए, एक्सक्यूज किसे चाहिए, रीजन किसे चाहिए बच्चों, रीजन किसे चाहिए। सर भारत का भूगोल पहले पढ़ाते तो मेरी किडनी ज्यादा अच्छी होती, अभी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, सर विश्व के भूगोल ने मुझे खा लिया। बताइए यार, तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये रीजन सभी के पास है,
ये रीजन सभी के पास है कि मैं ऐसा ये नहीं हो पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाई। इन कारणों से यूपीएससी और सिविल सेवा और उनसे जुड़े कई और परीक्षाओं में पास वो होगा जो अनरीजनेबल होगा। अकारण ही मैंने पास कर दिया, मेरे पास कोई कारण नहीं है अपनी कमजोरी का। एटलस नहीं देख रहा, जब इतने सारे छात्र कह रहे हैं सर आपकी क्लास के बाद मैं एटलस में देखता हूं मुझे सब मिल जाता है धन्यवाद, तो मैं उनका क्या करूं? ये कारण वाले, सर मैं अभी पैदा हुआ हूं आधे घंटे पहले, गुलाबी गुलाबी आपके हाथ में, सर मैं क्या करूं? सर मैं बहुत स्लो चलता हूं, मैं क्या करूं? सर मेरी एटलस में कुछ नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा सर मैं शुरू से ही अभागा हूं। इन सब नौटंकी नाटक बहानों को छोड़िए, अनरीजनेबल बनिए और अनरीजनेबल लोग यहां रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, तैयार है? तो अफ्रीका की विडंबना समझ में आ गई सभी लोगों को? अफ्रीका की विडंबना ये है, अफ्रीका की विडंबना ये है कि ये देश आज तक लड़ रहे हैं। इथियोपिया ने कई देशों की सीमाओं को मान्यता नहीं दी है, इथियोपिया ने कई देशों की सीमाओं को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि आज भी यहाँ कबाइली लोग रहते हैं। कुछ कबाइली इधर कब्जा करते हैं, कुछ उधर कब्जा करते हैं। धर्म और जातियों और भाषाओं में बटे ये सारे के सारे क्षेत्र, इनमें वो भावना नहीं है जो भारतीयों में आ गई। मैं किसी भी राज्य का हूं बट उसके ऊपर मैं भारत का नागरिक हूं। तो जो नेशनलिस्टिक फीलिंग है, एक देश की भावना, वो यहां नहीं आई है बच्चों। जिस दिन आ गई वो इस जमीन को नोचना बंद कर देंगे, इस जमीन को सहेजना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए अफ्रीका, अनरीजनेबल लोगों के साथ अफ्रीका। जल्दी से एक और प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न है। सभी बच्चे देख रहे हैं ये, इसको क्या कहेंगे? इसको देखेंगे तो ये लोग इसको कहेंगे पर्वत। इस पर्वत का नाम है सोनू पर्वत। ठीक है, ये लोग जब देखेंगे इसको तो इसको क्या कहेंगे? इन लोगों को ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा, ये भी इसको पर्वत कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये भी इसको पर्वत कहेंगे। इसका नाम क्या है? मोनू पर्वत। इधर से लोग इसको देख रहे हैं, इनको क्या दिखाई देगा? ये भी पर्वत है। इसका नाम क्या रखेंगे? टिंटू पर्वत, है कि नहीं बच्चों? इनको तो ये पर्वत दिख रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे तो पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्या हमें ये पठार दिखाई देता है कि नहीं? ये पठार है, वो पर्वत श्रृंखला है कि नहीं? तो बालकों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे मुझसे कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये पर्वत है, एटलस में लिखा है कि ये ड्रेकन्सबर्ग है, ये चट्टाने हैं, ये पर्वत श्रृंखला है, मिटुम्बा पर्वत श्रृंखला है, होगार, तिबिस्ती, दारफूर, ये सब पर्वत श्रृंखला है। बिल्कुल लिखे हैं बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं। बट मैं एक शिक्षक होने के नाते क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक पठार का किनारा है जो वहां के लोगों ने उनको पर्वत के रूप में देखा। अब मैं देखिए ये बात ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी पंचायत में ये बात कर रहा हूं, मैं भूगोल के छात्रों से ये बात कर रहा हूं। तो क्या भूगोल के छात्र ये खास देख सकते हैं कि ये वाली चीज ए और बी ये दो अंत अलग हैं? बहुत क्लियर अलग है ना। हम सब ने सुना है भारत में विंध्या पर्वत है, विंध्या पर्वत श्रृंखला है। मैं आपको बताना चाहता हूं विंध्या पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो एक भ्रंश घाटी है जिस भ्रंश घाटी में नर्मदा बह रही है, और मालवा का जो पठार है उसका एक सिरा है विंध्या। भारत के भूगोल में बताएंगे कि मालवा के पठार का दक्षिणी सिरा जो है वो विंध्या कहलाता है, विंध्या पर्वत। होने को वो पर्वत श्रृंखला इस प्रकार की नहीं है, लेकिन वो एक पठार का हिस्सा है। तो मुझे लगा कि भूगोल के छात्रों के साथ तो मैं थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ी सी समझ रख सकता हूं, और निश्चित रूप से आपका डाउट वैलिड था, बिल्कुल जायज डाउट था, इसलिए मैं वो डाउट ले रहा हूं। आशा है आपको इसमें क्लैरिटी होगी। मुझे आजादी दे दीजिए कि मैं कुछ चीजों को पठार बता सकूं और कुछ चीजों को पर्वत बता सकूं। ठीक है, अनिल चौरसिया लिख रहे हैं सर रोजाना 30 से 40 मिनट बर्बाद हो रहा है कुछ लोगों की वजह से। तो अभी एक बात बताइए, क्लास को शुरू हुए 15 मिनट हुए, क्या आप लोग इसको बर्बाद मानेंगे? मैं नहीं मानता हूं बर्बाद, मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सामान्य सी बात है, हमारे दिमाग में आएगी, हमारे दिमाग में आएगी यार पर्वत और पठार वहां लिखा है तो क्यों नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको अफ्रीका के बारे में बताया इसका परिचय देना है ना, आज देना है कि नहीं देना है? ठीक है,
कोई कह रहा है टेस्ट क्यों नहीं ले रहे आप? यार आप खड़े नहीं हो, नहीं तो यहाँ बंदूक तान देते, हम ले लेते टेस्ट। मास्टर हैं भाई, हमारी मर्जी। बताओ, जब हम मास्टर बनने की सोचे ना, जब मास्टर बनने की सोचे, 29, 28, 29 हमारी उम्र हो रही थी, दोस्तों ने एकदम से कहा, भाई मास्टर क्यों बनेगा, क्यों बनेगा मास्टर? हमने कहा, सही बात कह रहे हो, मास्टर क्यों बनेगा? बोला, मास्टर मतलब क्या सोच के बनेगा? मैंने कहा, पता नहीं यार क्या सोच के बनेगा, अब तो अंदर आ गई, मास्टर ही बनना है। बोले, इतना बढ़िया काम करते हो, क्यों छोड़ दो, मास्टर ही क्या करनी है? हमने कहा, यार कर्जा चुकाना है, जो हमने मास्टरों को खखोरा है, अब हमें खखोरेंगे, तो हम तो तैयार हैं भाई। तैयार है कि नहीं? सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, ये तो वेस्ट टाइम है, ये वेस्ट तो नहीं है। बच्चों, जानकारी दी है अभी आपको, लेटेस्ट जानकारी है, अफ्रीका की समस्या। हम तो भूगोल ही पढ़ा रहे थे, बताइए। चलिए, कुछ बैठे हैं कि सर टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट नहीं दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं। अब आज हम अफ्रीका का राजनीतिक मानचित्र भी देखेंगे, ठीक है? सभी लोग तैयार? राजनीतिक मानचित्र तो मैं अफ्रीका बना रहा हूं, और मैं धीरे धीरे आज अफ्रीका के, पूरे अफ्रीका का परिचय देता जाऊंगा। और बहुत से छात्र देश और राजधानी तो बहुत से छात्र देश और राजधानी तो जान ही रहे, जान रहे कि नहीं जान रहे, उसके आगे की चीजें मैं साथ साथ में जोड़ता जाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद मैं टेस्ट ले लूंगा, चलेगा? कोई बोला सर 30-40 मिनट में रिवीजन हो जाता है, निश्चित रूप से रिवीजन होना चाहिए, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसी ही सोच रखते हैं, तो उनके लिए भी ये काम की चीजें थी बेटा, ऐसा नहीं कि समा बांधने के लिए था। और खासकर ये जो अंध महाद्वीप था, उसी उसी दिशा में हम चल रहे थे, हमने कल इसकी बात की थी। 54 देश हैं, इनकी अभी भी सीमा निर्धारित नहीं है बहुत से देशों की, वेस्टर्न सहारा, सोमाली लैंड, यहाँ पे इसी की बात हो रही थी, कल जो बात हुई उसी की बात हो रही थी कि अफ्रीका होने को तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरी सबसे ज्यादा इसमें आबादी है, लेकिन गरीबी, अराजकता, ये चुनौती है, ठीक है? एक और सवाल आया मेरे पास कि सर आपने बताया नहीं सीधी रेखाएं क्यों हैं, तो ये मैंने बताया था, बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस में सारे के सारे औपनिवेशिक ताकतों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो मिले, उन्होंने अफ्रीका को ध्यान में ना रखते हुए उन्होंने निर्णय किया, भाई ये लाइन तेरी, ये लाइन मेरी, तो ये मानव निर्मित लाइन है, इसलिए है, प्लीज कक्षा को दोबारा देख लें। अब ये मानचित्र जितने भी लोगों को चुनौतियां थी, ये हमारे गहरे क्षेत्र हैं, चाड बेसिन, यहाँ पे चाड झील है, ये सूडान बेसिन आपने सुना होगा, यहाँ पे दलदली भूमि है सूडान में, सुड में, ये कांगो है, कांगो यहाँ पर नदी बहती है, इस खड्ड में बहती है, कालाहारी बेसिन खड्ड में बहता है, इस तरह का मानचित्र होता है भौतिक मानचित्र जो मैं आप लोगों से बनवाता हूं। अब ये बहुत तकनीकी मानचित्र है, इनको समझना थोड़ा चुनौती होती है, इसलिए मैंने कल क्या किया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा पर्वत ढूंढते हैं बच्चों, तो पर्वत हमने कहाँ ढूंढे, यहाँ पे पर्वत ढूंढे थे। उसके बाद फिर हमने देखे इस तरह के उठे हुए भूमियां हैं, बाई प्लेटू है, कई तरह के नाम आएंगे, यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग है, ये इथियोपियन हाईलैंड है, ये सब हम कल लिखने वाले थे और हमने इन पे काम भी किया है। समझ में आ रहा है, वॉइस ओके आ रही है? अंकित पटेल, क्लास पहली क्लास से शुरू करेंगे, कोई भी बीच में मत आ जाइए मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए क्लास नहीं चल रही है, इस पे काम करना है, सभी लोगों को काम करना है। तो ये चीज मैंने कल कराई थी जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, आपको दिखाई दे रहा है उठा हुआ क्षेत्र, प्लेटू, अहगार, किसी ने कहा सर हमारी एटलस में होगार लिखा है, सेम है, होगार तिबिस्ती दारफूर, होगार तिबिस्ती दारफूर, इस तरह की चीजें हैं। और ये देखते हुए कि क्लास में बहुत से छात्र ऐसे हैं, जैसे किसी ने कहा सर हमको मिलता नहीं लेकिन मजा आता है, मजे के लिए मत आइए, आपसे आपको देखते हुए कि आपके पास एटलस खोलने तक का अभी छठी क्लास में भी समझ नहीं आई है, हमने कहा सारे चित्र लेकर चलो, सारे चित्र लेकर चलो, कि चचा को जब तक ये नहीं दिखेगा कि भाई ये है, तब तक समझ नहीं आता, और समझना भी नहीं, हैरानी की बात, ढूंढना है। इन सारी चीजों को आज एक एक करके ढूंढेंगे, शुरू करें। तो हम बच्चों पहले उत्तरी अफ्रीका में, ये उत्तरी अफ्रीका दिखाई दे रहा है, आज देशों की बात करेंगे, कुछ लोगों ने इनको क्रमबद्ध तरीके से रटा हुआ है,
मैं इनको अपनी तरह से बताना चाहता हूँ। सभी लोग अपनी भौतिक मानचित्र की जगह आज राजनैतिक खोलेंगे, जल्दी से राजनैतिक मानचित्र खोलेंगे, जल्दी से राजनैतिक पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, और साथ में क्या रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, इसी में लिख सकते हैं, एटलस में ही लिख लीजिए, एटलस में ही लिख लीजिए, जरूरत पड़ी तो एटलस में ही लिखेंगे, और इसी पे टेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। उत्तर में देशों का परिचय लेंगे, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान जो विभाजित हो चुका, दक्षिणी सूडान में भी आ चुका है, और यहां पर हम एशिया में चले जाते हैं। सभी के पास ये दिखाई दे रहे हैं, सभी के पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, इनका परिचय लेने वाले हैं धीरे धीरे। वेस्टर्न सहारा की जब हमने बात की थी, वेस्टर्न सहारा की बात की थी, अभी भी इसको मान्यता नहीं मिली है, यूएन की मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे पहला देश जो हमारे सामने आता है मोरक्को। बहुत से लोगों को कल द्वीप नहीं मिल रहे थे, कैनेरी द्वीप, कैनेरी द्वीप और मदेरा द्वीप दिखाई दे रहे हैं, कैनेरी द्वीप और मदेरा द्वीप मार्क कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। पहली चीज तो परिचय है, पहली चीज परिचय है, परिचय लेते चले जाइए, ठीक है। मोरक्को में कौन से पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला, जल्दी से बताओ बच्चों। एटलस सर, एटलस, एटलस पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। अब बहुत सी एटलस में, मिडिल एटलस, लोअर एटलस, आपके लिए जीएस पढ़ना है, जीएस में केवल एटलस पर्वत श्रृंखला है, और इसमें हमने देखा था माउंट टुबकल, कितने लोगों को याद है, जो भी मैं बोलता जा रहा हूं अपनी एटलस पे लिख लीजिए, एक बार दोहरा भी रहा हूं, टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता भी जा रहा हूं, और यहां पर मेरे पास माउंट टुबकल भी था, माउंट टुबकल भी था। बहुत बहुत अहम चीज, बहुत अहम चीज, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और अगर आप लिख रहे हैं तो साथ साथ लिखते भी रहिए। एक दो चीजें, मोरक्को के उत्तर में और यहां पर यह है जिब्राल्टर की जलसंधि, बहुत बहुत अहम, बहुत बड़ी सामरिक भूमिका है इसकी, ये जलसंधि। यहां से जो हिंद महासागर से जब आप यूरोप जाते हैं, इस रास्ते से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, समझ में आया, ठीक है। एटलस में अगर आपके वहां पे जिब्राल्टर नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए, उसके आसपास ही हो, जब चित्र आपके सामने है तो पहचान हो सकती कि नहीं हो सकती, है कि नहीं। तो ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर नाम आता है, यहां पर एक क्षेत्र है जिब्राल्टर जो यूके के पास है। हैरानी की बात सोचिए, जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि, ये हिस्सा यूके के पास है। कौन सा हिस्सा यूके के पास है, जो स्पेन का हिस्सा है। एक चट्टान है यहाँ पर, उसे जिब्राल्टर की चट्टान कहते हैं, रॉक ऑफ जिब्राल्टर, बहुत ही सुंदर सा क्षेत्र है। यहाँ से बहुत ज्यादा जहाज निकल रहे होते हैं, यहाँ पर एक पठार है, तो पठार की वजह से ऊंचा क्षेत्र है, और जब मेरा जाना हुआ तो यहाँ पे बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हुई है, विंड मिल्स भर के इस पूरे के पूरे पहाड़ पे पवन चक्कियां लगी हुई है, पछुआ पवनों के रास्ते में आती है, और विंड एनर्जी यहाँ पे निकाली जाती है। यूके का हिस्सा है, यूके ने इसको रख लिया, स्पेन को कहा भाई हम नहीं देंगे। स्पेन एक कदम आगे निकला, स्पेन ने क्या किया, स्पेन ने ये वाला हिस्सा, आपको हैरानी होगी, मोरक्को के पास नहीं है, ये स्पेन के पास है। तो जिब्राल्टर की जलसंधि, जिब्राल्टर की जलसंधि के उत्तर में कौन सा देश है, देखने में स्पेन लगता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन है यूके, जिब्राल्टर यूके, ठीक है। और नीचे है सीउटा, अभी सीउटा नहीं लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये है स्पेन का हिस्सा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम देखते हैं अफ्रीका के कई देशों में अराजकता है, कई देशों में हम देखते हैं आतंकवाद है, सोचिए अगर उनके हाथ में कमान होती तो ये कभी भी इस जल संधि को बंद कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। उदाहरण के रूप में आप सबको बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, ये है पर्शियन गल्फ, जहां पे तेल लेने जाया जाता, कुवैत, इराक, ईरान, और यहां पर आती है ये हॉर्मूज की जल संधि। अभी अमेरिका के जहाज को बम मार के ईरान ने उड़ा दिया, तो ईरान के हाथ में, ईरान के हाथ में रहता है, ईरान को जब कभी कबाड़ा करना हो, यहां पर रास्ता रोकना हो, यहां दो चार बम मार दो, मार सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सभी को समझ में, बहुत अहम, मोरक्को यहां आ गया। फिर मैंने आपके लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, अगर आप लोगों को याद हो, मगरिब, मगरिब, मगरिब मतलब पश्चिम। मगरिब में मैंने आपसे कहा था, याद करेंगे, एम ए टी, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लिख रहे हैं सभी लोग, लिख रहे हैं,
मोरक्को, मैंने आपको बता दिया मोरक्को, मरुस्थल है, एटलस वाला क्षेत्र, एटलस पर्वत श्रृंखला, अल्जीरिया और टूनिशिया, अल्जीरिया और टूनिशिया। यहीं पे लिखवाना चाहता हूं कि अल्जीरिया, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। एटलस में जिब्राल्टर लिखा हुआ, बिल्कुल वही है बेटा, बिल्कुल वही है, चिंता मत करो, उससे मिलता जुलता होगा, जैबरा टाइप कुछ लिखा होगा, ज की भी आवाज आ गई, मान लेना जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सिर्फ किताब से नहीं होकर आया हूं इसलिए बता रहा हूं, ज से जो भी निकलेगा जिब्राल्टर ही होगा। अभिषेक कुमार कह रहे हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट को स्पेन और मोरक्को के बीच में क्यों बताया जाता है? भैया आंख के अंधे हो क्या? अभी तो बताया ये स्पेन है और ये मोरक्को है, स्पेन और मोरक्को के बीच में बताया जाता है, आपके मास्टर उससे एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे चंपक सवाल पूछोगे, सर इन दोनों को इनके बीच में क्यों बताया जाता है? तो दिख तो रहा है इन दोनों के बीच में है, बट अब मैंने बता दिया कि वो जो पोर्ट है वो किसके कब्जे में है, वो है यूके के कब्जे में, ये स्पेन के कब्जे में। मास्टर एक कदम आगे बता रहा है आपको, मास्टर एक कदम आगे बता रहा है, आप 10 कदम पीछे। सर इन दोनों को इनके बीच में क्यों बताते हैं? छोटे बच्चे को बताइए कि बेटा यहां से देखकर बताओ कौन से दो देशों में है, तो बच्चा भी यही कहेगा जी स्पेन और मोरक्को के बीच में। ऐसे अनपढ़ सवाल ना दो, ठीक है? कुछ लगाइए कम से कम, एटलस तो खोलिए, कहां से आपने क्या पढ़ा किसे पता? आप तो अफ्रीका में भारत सरकार को भेज रहे हो कि भारत सरकार अफ्रीका का पूरा विकास कर देगी, ठीक है? चलिए, कौन सा सबसे देश, सबसे बड़ा देश? अल्जीरिया देश। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्जीरिया, अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे कि अफ्रीका में अगर आपको कोई ऐसा देश दिखाई देता है जो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो अल्जीरिया है। विश्व में गैस का उत्पादन, विश्व में गैस के उत्पादन में बहुत अग्रणीय नंबर पर है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं इसके पास, आज भी ये यूरोप के साथ ट्रेड करता है, तो ये अल्जीरिया हो गया, ठीक है? समझ में आ गया, अल्जीरिया। अल्जीरिया के साथ छोटा सा देश टूनिशिया। अल्जीरिया की राजधानी एल्जियर्स, देख रहे हैं, एल्जियर्स पॉलिटिकल मैप पे मार्क कर लीजिएगा, टूनिशिया की राजधानी टूनिस। अब एक बड़ा हैरानी का सवाल आया बहुत से बच्चों का, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चों ने कहा सर लीबिया का मरुस्थल मिल गया, लीबिया का मरुस्थल मिल गया, लीबिया में मरुस्थल है सर, इजिप्ट में नूबियन भी मिल गया, सर सहारा नहीं मिल रहा। बताइए कितनी मतलब मासूम सवाल था, अरे भाई बड़ा करके लिख दिया है, एस ए एच ए आर ए, इसलिए सहारा है। समझ में आया? ठीक है, तो अफ्रीका की बात चल रही है, अफ्रीका में हमें क्या मिले? ये मगरिब के देश मिले, कहां के मिले? पश्चिम माना जाता है इन्हें, और इसको मैं आप लोगों को इसमें भी दिखा देना चाहता हूं, ये हमारे मगरिब के देश। क्लियर हो गया सबको, मगरिब के देश, मानचित्र बड़ा होकर याद रहेगा, मगरिब के देश, मगरिब के देश, क्लियर है? पश्चिमी सहारा अभी भी इसमें तनाव रहता है, मान्यता नहीं है। मोरक्को है, मोरक्को में यहां देखिए सीउटा स्पेन का लिखा हुआ है, स्पेन का छोटा सा हिस्सा, और ऊपर जिब्राल्टर होने की बात है, उसके आगे आ जाता है अल्जीरिया, बहुत ज्यादा नहीं जानना है, लेकिन गैस के लिए, प्राकृतिक गैस के भंडार, टूनिशिया भी वही काम कर रहा है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है लीबिया, लीबिया में लीबिया का डेजर्ट है, और लीबिया भी तेल के लिए जाना जाता है, लीबिया किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए जाना जाता है, लेकिन लीबिया में एक समस्या थी, लीबिया में समस्या थी, एक तानाशाह, तानाशाह का राज था, तानाशाह का राज, अगर आपने सुना हो, गद्दाफी के नाम से, मुअम्मार गद्दाफी, इन्होंने बहुत समय तक तानाशाही रखी, इन्होंने बहुत समय तक यहां राज किया, और इनको पश्चिमी देशों का भी पूरा सपोर्ट था, इनका यह कहना था कि जब तक मैं यहां पर हूं तब तक मैं आतंकवाद नहीं बढ़ने दूंगा, तब तक मैं आतंकवाद नहीं बढ़ने दूंगा, और पश्चिमी देश खासकर यूएस का इस पर पूरा आशीर्वाद रहा, जब तक इन्हें जो करना था किया। लेकिन एक दिन यूएस का मूड बदल गया, जैसे सद्दाम हुसैन के लिए बदल गया था, तो यूएस ने इन्हें उड़ा दिया। यूएस के उड़ जाने के बाद, अब यहां पर आतंकवाद पनप गया,
मेरा 2-3 बार जाना हुआ इस क्षेत्र में। सिदरा की खाड़ी है, बेनगाजी यहाँ का पोर्ट है, यहाँ पर हम तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ से भी उठाते थे, लेकिन आज यहाँ जाना मुश्किल है। भारी बमबारी हो जाती है, आतंकवाद है सब कुछ। और इसी सबसे परेशान होकर, इसी सबसे सरकारों से परेशान होकर, अगर आपने सुना हो अरब स्प्रिंग, जहां लोगों ने जन आंदोलन शुरू किया, वो टूनिशिया में शुरू हुआ। अरब स्प्रिंग, लोग सड़कों पर आ गए, उसी जन आंदोलन का हिस्सा में गद्दाफी भी मारा गया। समझ में आया? अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की चुनौतियां, ठीक है। किसी ने कहा सर सबसे ज्यादा आतंक गद्दाफी ने किया, कोई भी तानाशाह अपनी अपनी तानाशाही में खूब आतंक करेगा और बाकी सबको आतंकवादी ही मनाएगा। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मुझे क्या दिखाई देता है, एक ब्राइट स्पॉट, एल्जियर्स, एल्जीरिया, इसकी राजधानी एल्जियर्स। सभी लोग मेरे साथ, थोड़ा सा परिचय किसका हुआ, मगरिब क्षेत्र का। यहाँ पे एक बहुत अहम ट्रेड रूट है, क्या है, जिब्राल्टर। ये बहुत बहुत काम की चीज है, इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर 2 देश दिखाई देते हैं मुझे, इजिप्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है सूडान। और सूडान अब तो आप जानते हैं दक्षिणी सूडान में भी बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि यहाँ के कबायली लोग इनसे बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, यहाँ के कबायली लोग इनसे बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। लेकिन ये देखिए सीधी सीधी रेखा, सीधी सीधी रेखा किसने बनाई हुई है, वहां बर्लिन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लाइन खींच दी इस देश के लिए। तो यहाँ के लोगों ने कहा भाई हम तो कभी थे ही नहीं इनके साथ, हमें कैसा गठबंधन करा रहे हो। तो यहां पर ये टूटकर दक्षिणी सूडान बन गया। इजिप्ट में आप जानते हैं अहम अहम चीज क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल है, और साथ में ये नदी बहती है नाइल नदी, नाइल नदी, नाइल नदी पे यहां पर एक बांध बनाया गया। इजिप्ट ने एक बांध बनाया। बांध क्यों बनाया जाता है बच्चों, बांध क्यों बनाया जाता है? बांध इसलिए बनाया जाता है कि आप वैसे भी मरुस्थल क्षेत्र हैं, आपके पास पानी का अभाव है, तो क्यों नहीं जो पानी आ रहा है उसके प्रबंधन के लिए पानी को रोक लिया जाए। जैसे ही पानी रोकेंगे तो पीछे झील बन जाएगी। झील का नाम, झील का नाम यहाँ के नेता नासिर के नाम पर है, लेक नासिर। लेक नासिर कहां पर है? लेक नासिर सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर है। आसवान बांध बना था। जल्दी से बताएंगे कितने लोगों को, कितने लोगों को, कितने लोगों को ये बात सुनकर उत्तर अमेरिका की एक झील याद आती है जो कोलोराडो नदी पर हूवर बांध बनाने से बनी। जल्दी से बताइए कितने लोगों को याद है, कोलोराडो नदी पर हमने क्या किया, हूवर बांध बनाया था और ऐसी ही एक नदी बनी थी। कितने लोगों को याद है अफ्रीका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में? जल्दी से बताइए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं नाम। बिल्कुल सही, सबसे पहला उत्तर आया मुस्कान भारती का। मुस्कान भारती बहुत बहुत मुस्कान लेकर आया आप मेरे चेहरे पर, धन्यवाद। मीड झील, बाकी सब लोग जिनको याद आया मीड, बहुत अच्छी बात है। कोई टिटिकाका की बात कर रहा है, आप समझ सकते हैं। अगर आप दोहराएंगे नहीं तो आप उत्तर अमेरिका की जगह दक्षिण अमेरिका की झील बता देंगे। और हैरानी की बात यह है, टिटिकाका तो आपको बताया था क्रेटर से बनी है, इसीलिए बताया था, कॉन्सेप्ट साथ में दिया था। देखिए रटने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, रटने का क्या है, कोई भी झील रट के बैठा हुआ है, कोई भी झील रट के बैठा हुआ है। और टिटिकाका कह रहा है नदी के रोकने से हुई, वहां तो नदी के रोकने से बनी नहीं थी वो। तो जितना ज्यादा हम MBs यहाँ पर ब्रेन में फंसाएंगे उतना कम हमें याद होगा। सभी को याद आ गया, लिख भी रहे मेरे साथ, मैं कोई तेजी से नहीं चल रहा हूँ। मानचित्र मैं खुद ही उठा कर ले आया, मैंने कहा भाई इनको एटलस में नहीं मिलता है, ये बिल्कुल आंख के अंधे टाइप चल रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी, ए भाई कौन महाद्वीप पढ़ा रहा है रे, ठीक है, शोले टाइप, इतना सन्नाटा का है भाई, ठीक है। तो मीड झील की बात हुई थी, ठीक उसी तरह से कौन सी झील बनी, आसवान झील, आसवान झील। तो जब आप ये लगाते हैं तो इस तरह से भारत में आप देखेंगे भाखड़ा नंगल के पीछे गोविंद सागर है कि नहीं, भाखड़ा नंगल के पीछे झील बनी या नहीं बनी। तो किसी ने कहा सर भारत का भूगोल क्यों नहीं पढ़ाया, ये क्यों पढ़ाया, अरे भाई सेम सिद्धांत है, झील होगी मानव बनाएगा तो ये होगी ही होगी, ठीक है। चलिए आते हैं नील नदी, कहां से इसका उद्गम है। इसका उद्गम जब ढूंढा जाता है तो नील नदी के 2 उद्गम है। पहली बात तो नील नदी क्या है, सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये 2 नदियों के जुड़ने से बनती है, 2 नदियों के जुड़ने से बनती है। एक है नीली नील, ब्लू नाइल, दिखाई दे रही है ब्लू नाइल, कहां से आई, इथियोपिया से आती है। तो लिख लीजिए ब्लू नाइल, जो बोल रहा हूं वो साथ साथ में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और ये आ रही है व्हाइट नाइल, सर ये तो पता नहीं कहां से आ रही है, ये भी एक झील है यहां पर, विक्टोरिया झील, अगले उसमें आएगा,
दो नदियां व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल खोरतुम में आकर मिलती हैं। खोरतुम क्या है, सूडान की राजधानी, और उसके बाद यूं चलती हैं। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर इजिप्ट ने अपना बांध बनाया और उस वजह से इजिप्ट में पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारा इजिप्ट का भी परिचय हो गया, थोड़ा सा सूडान का भी परिचय हो गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सूडान भी तेल से भरा हुआ है, लेकिन अगर एक आंतरिक गृह युद्ध चल रहा होगा तो क्या वहां का विकास होगा, क्या वहां का विकास होगा? तो कई बार आप देखेंगे भारतीय मूल के लोग ऐसी जगहों पर काम करने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि तेल के खनन का काम है, सब कुछ है, नौकरियां मिली हुई हैं। आप देखेंगे अचानक यहाँ पे आंतरिक समस्या होती है, भारत का विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय एकदम काम में आता है कि हम अपने लोगों को वहां से निकाल रहे हैं। तो सब लोगों को इस चीज में एक चुनौती, अफ्रीका की सारी बातों में आपको कहीं ना कहीं चुनौतियां मिलते जाएंगे, विरोधाभास मिलते चले जाएंगे। इजिप्ट, इजिप्ट क्या है, एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, होने को सभ्यता होगी, होने को सभ्यता होगी, लेकिन इजिप्ट अगर आप जाते हैं, इजिप्ट अगर आप जाते हैं तो वहां भी भयानक गरीबी है, भयानक गरीबी, भयानक करप्शन। कई बार सरकारें भी ऐसी हैं कि सरकार बहुत प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को नहीं चलने देती, नहीं चलने देती। खासकर अरब स्प्रिंग के बाद तो सरकार ने और ज्यादा सख्ती यहां पर कर रखी है। यहां पर इनके पास एक बहुत अहम, एक बहुत अहम आय का स्रोत है जो पनामा के पास भी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अब देखिए यहां पर कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सर मेरे में इजिप्ट नहीं लिखा है, मेरे में तो मिस्र लिखा है। हाँ मिश्रा जी, एकदम मिस्र है, बिल्कुल मिस्र है। तो उसका हिंदी का नाम है क्या, मतलब सुएज की नहर, ऐसा ही कुछ पनामा में भी नहर था, पनामा में भी नहर था, आया नहीं था। तो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो लंबाई है ना, ये लगभग 8,000 किलोमीटर है। आप यहां पर खड़े हैं और आपको यहां जाना है, तो ये बहुत आसान सहज तरीका है शॉर्टकट, लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो आपको निश्चित रूप से 8,000 से तो ज्यादा चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, उतनी चीजें यहां पर सेविंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पर क्योंकि हिंद महासागर, इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पर जो एक भूमि का खंड था, यहां हमने क्या बनाई, एक नहर बनाई, और नहर का नाम क्या है, सुएज कनाल। ठीक है सभी लोग मेरे साथ, सुएज कनाल मिल गया सभी को, सुएज कनाल पता होना चाहिए, अहम है, अहम है, प्रश्न आते हैं सुएज कनाल का महत्व। तो सुएज कनाल यहां से जाती है, और ये जो छोटा सा ये भूभाग है, तो अगर मैं रंग कर सकूं, तो ये भूमि का वो खंड है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। दिखाई दे रहा है, तीन तरफ से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है ये, सिनाई का प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। सभी लोगों को सिनाई प्रायद्वीप दिख रहा है। तो लाल सागर से जहाज आएंगे, इस तरह से आएंगे, इसमें घुसेंगे और नहर का प्रयोग करेंगे और इधर से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा ही कुछ इस तरफ भी होता है, इस तरफ से आएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, गांधी जी का जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया यार, एकदम। मैं जाने आपको पता गांधी जी का कहाँ कहाँ जन्म हुआ, क्या स्विस कनाल में हुआ था क्या? ठीक है चलिए, तो स्वेज कनाल अहम हो गई, ये विश्व व्यापार के लिए अहम है, विश्व व्यापार के लिए अहम है। अगर ये बंद हो जाती है तो बड़ी चुनौती हो जाती है, और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से इजिप्ट को भी विश्व व्यापार की गर्दन मरोड़ने का एक मौका मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। और यहीं पर हम देखते हैं इजिप्ट और इसराइल, इजिप्ट और इसराइल, तो जो हमारा 7 डे वॉर हुआ था, इजिप्ट और इसराइल, या अरब इसराइल वॉर जो हम बात करते हैं, वहां इसराइल ने इस क्षेत्र पे कब्जा किया था, लेकिन अब इसराइल इसके बाहर है। पर मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसराइल वाले मुद्दे की, और अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये एक अहम नहर है, ये नहर मानव निर्मित नहर है। ठीक है, उपनिवेशिक ताकतों ने पहले ही इस नहर के बारे में सोच लिया था, इजिप्ट क्योंकि वहां पड़ता है तो इजिप्ट सरकार के पास इसका आर्थिक लाभ होता है, और
मैं फिर कहना चाहूंगा बहुत सारा भ्रष्टाचार है इजिप्ट में भी, तो जो यहाँ से पैसा आता भी होगा कुछ धनाढ्य लोगों के पास चला जाता है, आम लोगों के पास काफी चुनौती रहती है। ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं? और इसके अलावा यहाँ पर ये ऐतिहासिक शहर कायरो और ऐतिहासिक शहर अलेक्जेंड्रिया। कायरो में क्या है? कायरो यहाँ की राजधानी है, और कायरो में क्या है? पिरामिड होते हैं। कायरो में पिरामिड होते हैं, जो आपने इजिप्शियन राजाओं के मकबरे सुने होंगे, इस तरह के पिरामिड ऑफ गीजा, तो ये पिरामिड्स होते हैं यहाँ पे। अलेक्जेंड्रिया किसके नाम पे मशहूर है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर के नाम पे। अलेक्जेंडर जब वापस लौट रहे थे तो उनके नाम पे कई कई जगह पर अलेक्जेंड्रिया शहर मिल जाएंगे आपको, कई जगह पर अलेक्जेंड्रिया शहर मिल जाएंगे, और ये अलेक्जेंडर के नाम पर है। ठीक है, ये अलेक्जेंडर के नाम पर है। कहने को जो लोग कभी गए नहीं है वो ये कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा शहर है, ये है वो है। मुझसे पूछोगे तो ये एक छोटा सा शहर है, गए भी थे तो ऐसा कुछ घूमने लायक भी, बट पुराना इतिहास है इसलिए लोगों ने, जो नहीं गए ना इतिहास के शिक्षक को लगे अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर, क्योंकि इतिहास के शिक्षक का उस शासक से बड़ा जुड़ाव होता है, लगाव होता है। कभी जाके देखिएगा अलेक्जेंड्रिया, ऐसा कुछ अलेक्जेंडर है नहीं वहां, बट फिर भी इतिहास तो इतिहास है। उत्तर उत्तर अफ्रीका, सभी लोग क्लियर है? ठीक है, एक फरमाइशी गीत आया है, मिस्र की झील रिपीट, कोई रिपीट नहीं कर रहे, रिप्ले। आप रिपीट कहेंगे, मेरा एक ही उत्तर है, रिप्ले। समझ में आ गया सभी लोग? ये वाला हिस्सा मेरे साथ हैं सभी लोग, मेरे साथ हैं सभी लोग। कितने लोग, कितने लोग एक बार आंख बंद करके पश्चिम से पूर्व की तरफ, यहां से 1 2 3 4 5 6 देश याद कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। पश्चिम में यहां पर मोरक्को, मोरक्को के नीचे वेस्टर्न सहारा, जिसकी अभी सीमांकन में चुनौती है। उसके बाद अच्छा बड़ा देश अल्जीरिया, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। फिर ये छोटा देश टूनिशिया, टूनिशिया में क्या हुआ? अरब स्प्रिंग शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग परेशान है, किसकी तानाशाही, किसकी तानाशाही? गद्दाफी की तानाशाही। लीबिया में तानाशाही थी, गद्दाफी हट गए हैं, अब अराजकता है, और यहां पर आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट विश्व के व्यापार को क्यों देखता है? क्योंकि यहां पर सुवेज नहर है। जीएस के छात्र के लिए इतना काफी है, राजधानी आप कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, परिचय है, परिचय से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी हमने देखा, अभी जितने भी सारे देश मैंने आपको बताए, इनमें बताइए कौन सा देश ऐसा है जो विकास की स्थिति में बेहतर है? वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया समझ में आ गया, अल्जीरिया समझ में आ गया। अब हम उसके बाद नीचे नीचे देशों में जाते जाएंगे, नीचे नीचे देशों में जाते जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक के साथ भौतिक भी चलना चाहिए, तो एक बार फिर से सभी लोग एक बड़ा मानचित्र बनाएंगे, थोड़ी देर भौतिक पे आ जाएं, नहीं तो ऐसा ही हो जाएगा, देश राज्य यही चलता रहेगा। जब अफ्रीका को मानवता का पालना कहा जाता है तो वहां के लोग अशिक्षित क्यों रह गए? अरे ऐसा कैसे है? एक तो यह है कि मानवता का पालना का मतलब क्या है? यहां पे मानव की उत्पत्ति हुई, कौन सा मानव है? आदि मानव है। आप बताइए अंडमान एंड निकोबार में आदि मानव आज भी अशिक्षित है या नहीं है? ये बड़ा अजीब से है सर, वो तो पालना था तो उसको तो सर एनसीईआरटी अब तक आ जानी चाहिए थी, उसका तो सर ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाना चाहिए। चलिए, तो अफ्रीका जो है मानवता का पालना है, यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही हेलो हाउ डू यू डू, मैं तो ग्रेजुएट हूं ऐसा बोलता है। कैसी बात कर रहे हो यार, पालना था यहाँ पे, मनुष्य जाति प्रजाति का यहाँ पे उत्पन्न होती है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि उनका विकास हो जाएगा। विकास होने में तो समय लगेगा, और विकास होने की विकास के लिए कुछ दशाएं होनी चाहिए। इतना पढ़ाने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अफ्रीका के विकास में चुनौतियां क्या हैं? ये पालने में ही झूल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, रटे हुए बैठे हैं। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, एक्चुअली अंग्रेजी में शब्द आया था, हिंदी में तो आया भी नहीं है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ये किसी ने लिख दिया इसके बारे में, क्योंकि मानव सभ्यता यहां से शुरुआत होती है, तो किसी ने पहले उसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, मानवता का पालना, मानवता का पालना बन गया, हिंदी बन गया। अब हमने रट लिया, अब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, जिसे कहते हैं ना कि मतलब हमारे पास साक्ष्य हैं। अभी आपको दिखा रहा हूं अफ्रीका का विकास क्यों नहीं हो रहा, तो लेकिन ये तो पालना है सर, इन लोग पढ़े क्यों नहीं? अरे अब केजीएस आ गया है, वहां भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो।
और विश्वास करो, ये जो पालने वाले हैं ना, जितने भी आप लोगों को पालने में फंसे हैं, बहुत रटा के नहीं करवाएंगे, थोड़ी सोच उनकी विकसित कराएंगे। पालने वाले सर बेचारे पढ़े क्यों नहीं अभी तक, एनसीईआरटी पहुंची नहीं, छप नहीं रही थी, प्रिंट नहीं हुआ, पीडीएफ आ गया, अब टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, ये तुम लोग पालना हो पढ़ लो, चले आगे। तो जल्दी से एक अफ्रीका बना लेंगे, जल्दी से एक बड़ा अफ्रीका। भौतिक पे जा रहा हूं फिर से बच्चों, सी बिल्कुल इसमें कोई आलस नहीं करना है, आपके लिए कर रहा हूं ये, आपके लिए कर रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई आलस मत करिए, सीधा ड्राइंग। कुछ लोग नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं, मत बना, कोई टेंशन नहीं। ठीक है तो बच्चों, कितना हिस्सा ब्राउन था, जल्दी से बनाएंगे। दक्षिण, दक्षिण वाला हिस्सा, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे, ये सारा हिस्सा क्या है? पठारी है। इसके कई नाम होंगे, कई नाम होंगे, क्या आपको सारे नाम याद करने? नहीं याद करने। अगर आपने ड्रेकन्सबर्ग याद कर लिया, ड्रेकन्सबर्ग याद है बच्चों, ड्रेकन्सबर्ग जब वास्को डगामा गया होगा उसको ड्रेकन्सबर्ग दिखे होंगे। इथियोपिया का पठार याद है, इथियोपिया का पठार, ठीक है। कुछ लोगों को मिटुम्बा मुचिंगा नहीं मिला, तो मान लो मैंने कहा यहां पर यार, मेरे लिए मान लो मिटुम्बा मुचिंगा है तो एटलस में, और कुछ यहां पे भी पठार थे, क्या नाम था इनका, अहगार या होगार, तिबिस्ती, और यहां पर क्या थे, दारफूर, याद है, इतना बस आपको याद होना चाहिए। तो मिटुम्बा मुचिंगा, इथियोपिया, रेकनबर्ग, रेकन्सबर्ग, ठीक है, और यहां पर कौन से पर्वत, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ यहां तक, यहां तक मेरे साथ हैं सभी। अब हमने यहां पर चोटियां ढूंढनी शुरू की, एक तरह का रिकैप भी है बच्चों, टेस्ट भी होगा, समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूं, आप ही के लिए है, रिपीटिशन से मेमोराइजेशन भी होता है। यहां पर एक चोटी थी जिसका नाम क्या था बच्चों, याद हो तो, कुछ लोगों को याद हो, लिखना नहीं है वहीं पे बोल देंगे, जहां भी बैठे हैं घर में बोल दीजिए, जैसे टुबकल था। यहां पर क्या था, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर किलिमंजारो था, और उसके नीचे क्या था, इनिया था। किसी ने एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, अरे पर्वत चोटियां पर्वत श्रेणियों से दूर क्यों है? भाई कोई ऐसा नहीं था कि उनसे दूर जाना है, ऐसा नहीं था कि तुमसे मेरी लड़ाई हो गई और मोहब्बत खत्म और हम उधर आ गए, ठीक है। किलिमंजारो कीनिया, बट ये अकेली चोटी बन कैसे गई? अब सोच लगानी है बच्चों, एक अकेली चोटी बनी कैसे होगी, एक अकेली चोटी बनी कैसे होगी, क्योंकि वैसे तो पर्वत श्रृंखला बनती है, कहीं पर ऐसा हो जाता कि सिर्फ एक ही चोटी हो? अगर होती है तो कितने लोग गैस लगाना चाहेंगे, लॉजिकल गैस, ज्योग्राफी तो विज्ञान है बच्चों, कैसे आई होगी एक ही चोटी, सिर्फ एक चोटी आई, दूर से कहीं पर एक चोटी आई, अचानक एक चोटी, सिर्फ एक चोटी कैसे क्रिएट होती, कितने लोग गैस मारना चाहेंगे? बहुत से लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। सर यहां ज्वालामुखी फटा होगा, ज्वालामुखी फटने से तो चोटी बनती है, वहां पे तो वलित पर्वत बन गए, वहां तो पर्वत निर्माण हो गया, छोटा सा सर ज्वालामुखी फटा होगा। कल्पना, कल्पना अगर नहीं हो पाती है तो मैं शिक्षक हूं, ये कीनिया की ऊपर से फोटो ली गई है, आसमान से फोटो ली गई है माउंट कीनिया की। माउंट कीनिया कहाँ है, यहां पर है माउंट कीनिया, किलिमंजारो, ये माउंट कीनिया है, और किलिमंजारो शायद नीचे, मैंने शायद गलत बता दिया, लेकिन ये यहां पर तो क्या है, ज्वालामुखी फटा है, यहां पर ज्वालामुखी फटा है इसलिए माउंट कीनिया है। समझ में आ गया सबको, माउंट कीनिया और किलिमंजारो मेरे चित्र में मैंने क्या कर दिया, विषुवत के एक ऊपर जाएगा, ऐसा ही कुछ है या ठीक बनाया मैंने, कीनिया किलिमंजारो, ठीक है, ज्वालामुखी से मैंने कहा, गैस तो करोगे ना, गैस करोगे तो यहां से बनाओ, समझ में आ गया। चलिए बाकी सब मैदान चल रहा है, बाकी सब मैदान चल रहा है, और उसके बाद भी अगर कुछ छात्रों को ऐसे यहां पे पठार मिल गए कि सर यहां लिखा है लोमा पठार, अदमावा पठार, तो बहुत सारे पठार हैं, मैं क्या बताता हूं हमेशा आपको, प्रमुख बताता हूं, प्रमुख में मुझे कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, सात बहुत होते हैं,
रात बहुत होते, पर्वत श्रृंखला में बस एक ही आई, इतना काम हो गया, बाकी मैदान हो गए। सभी लोग मेरे साथ, ठीक है? एक वेटर वाला कीनिया है, ये कीनिया है, और ये किली मंजारो, ये भी शायद यहां पर होगा, तो किली मंजारो। क्लियर है? दोनों क्या है? दोनों क्या है? विषुवत से थोड़ा नीचे चलेगा, उसके आसपास है, चलेगा। एक प्रश्न आया, एक प्रश्न आया, विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के सबसे पास बर्फ का स्थान बताइए। विषुवत रेखा के सबसे पास बर्फीला स्थान बताइए, तो उसका उत्तर क्या होता है? किली मंजारो। किली मंजारो, किली मंजारो विषुवत रेखा के पास है, फिर भी यहां पे बर्फ है। क्या कोई मुझे बता सकता है ऐसा कैसे संभव हुआ कि आप हैं तो विषुवत रेखा के पास लेकिन आप पे बर्फ भी है? विषुवत रेखा तो गर्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, लेकिन किली मंजारो पे फिर भी बर्फ है, क्यों है? जल्दी से बताएगा कोई? सर लोमा पर्वत दिया, पठार नहीं तो खुशबू दिल पे मत लो। लोमा को पर्वत मान लो, पठार मान लो, मैंने आपको बता दिया कि उच्च भूमि है। ऐसा क्यों है कि किली मंजारो पर बर्फ है जबकि ये तो विषुवत रेखा पर है? तो बच्चों अक्षांश की दृष्टि से, लैटिट्यूड की पर्सपेक्टिव से तो ये गर्म होना चाहिए, लेकिन एक और चीज हमारे तापमान को निर्धारित करती है। तापमान को निर्धारित करता है हमारा लैटिट्यूड, वो तो ठीक है, लेकिन तापमान को निर्धारित एक और चीज करती है हमारी ऊंचाई, जिसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं, ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं तो तापमान गिरता है, पहाड़ों पर तापमान कम हो जाता है, और किलिमंजारो की चोटी तक जाते जाते वहां पर बर्फ जम जाती है। मुझे प्रश्न आता था, क्या प्रश्न है? कि विषुवत रेखा के पास जमा हुआ बर्फीला क्षेत्र बताइए, जो विषुवत रेखा के इतना पास हो, तो वहां पे किलिमंजारो उत्तर था। सभी लोग मेरे साथ, और बहुत अच्छी बात है, कितने सही आप उत्तर दे रहे हैं। सभी लोगों ने कहा सर ये तो हाइट की वजह से। देखिए आप सब में सेंस है, कॉमन सेंस है, लेकिन हमें डर लगता है कि हम अपनी कॉमन सेंस का यूज नहीं करना चाहते। हम चाहते सर हमें रटवा दो, किसी तरह हमारा ग्लास भर दो, हम अपनी सोच नहीं चाहते। जैसे ही आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं बहुत बढ़िया उत्तर आने लगते हैं। अब धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोग, धन्यवाद। कुछ लोगों ने यह भी बताया 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, इसको ह्रास दर कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। मैंने सब मान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सही उत्तर दिया। अब मैं यहां पर एक समस्या लाने वाला हूं। ये प्रश्न आज गलत हो गया है, आज ये सच नहीं है। किलिमंजारो में जो आखिरी बर्फ का टुकड़ा था वो भी पिघल चुका है। किलिमंजारो ऊंचाई के बावजूद भी आज वहां बर्फ नहीं है। जल्दी से बता दीजिए क्यों? क्यों ये प्रश्न अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्यों किलिमंजारो पे बर्फ नहीं है? देखिए यूपीएससी एक कदम आगे चल रहा है, यूपीएससी पुराने जमाने की ज्योग्राफी में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं है जल्दी से बताइए? बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं सभी लोग। वैश्विक तापन, पोल्यूशन नहीं बेटा, किसी भी प्रदूषण नहीं, वैश्विक तापन के कारण पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, वही बढ़ गया है। तो जितना तापमान ऊंचाई पे होगा डेफिनेटली ऊपर ठंडा ही होगा, लेकिन अब इतना ठंडा नहीं रह गया कि वहां पे बर्फ जमी रह सके। तो वैश्विक तापन अपना विकराल रूप हर जगह दिखा रहा है, जलीय क्षेत्रों में तो दिखाई रहा है, ऊंचाई के क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये तो छोटा सा क्षेत्र था, एक पर्वत की चोटी थी। दुनिया में बम कहाँ फट रहा है? वो है हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम। हिमालय, हिंदू कुश, काराकोरम। विश्व की एक तिहाई आबादी को जल उन पर्वतों के ग्लेशियर्स से जाता है, उन नदियों से जाता है। विश्व की एक तिहाई आबादी, सोचिए वैश्विक तापन की वजह से अगर ये ग्लेशियर पिघल गए, और ऐसे पिघले कि ये रिचार्ज नहीं हो पाए, दोबारा से इन पे बर्फ नहीं जम पाई, कुछ ही दशक बाकी हैं। दशक तो मैं दिल से कह रहा हूं, दशक से भी कम है कि कहीं ना कहीं पर इतना बड़ा मानवीय संकट हो जाएगा जल के लिए कि हम सोच नहीं। हमारी सभ्यताएं इन नदियों पर बनी है, हमारे लिए नदियां पूजनीय है, लेकिन जो ग्लेशियर हैं, जो इनके स्रोत हैं, कहीं ना कहीं वैश्विक तापन से चले जा रहे हैं। ये तो केवल एक उदाहरण था, ठीक है? सभी लोग यहां तक क्लियर?
आपको कितने टुकड़े याद करने, केवल इतने टुकड़े याद करने। कितने लोगों को यहाँ पे याद है कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, जल्दी से बताइए, कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है? कर्क रेखा यूं चला दूं हॉकी में से, कर्क रेखा मकर रेखा यूं चला दूं लगभग उतनी ही दूरी पर चलेगा, मकर चाहिए होती है। और यहाँ पे कौन सा द्वीप आता है, कौन सा द्वीप आता है, मेडागास्कर। बहुत से छात्रों को यहाँ पे दिक्कत हुई, सर यहाँ आपने सेशील्स लिख दिया, यहाँ तो कोमोरोस है सर, सेशील्स तो यहाँ पर है सर, यहाँ पर मॉरिशियस है, यहाँ पर मेरे ख्याल से रीयूनियन भी है जो यूएसए, ये सारे समूह है ना। अब आपके पास मैं यहाँ पर आपको ये कार्य क्यों देता हूँ, मैं आपको ये कार्य क्यों देता हूँ द्वीपों को ढूंढने का, ताकि उस बहाने, उस कार्य के बहाने थोड़ा आप अफ्रीका का परिचय लीजिए। यहाँ पे आपको कोमोरोस दिखा, अच्छी बात है, यहाँ पे आपको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, सेशिल्स, यहाँ मॉरिशियस दिखाई दिया, रियूनियन, अच्छी बात है, आपके पास एटलस है, इस बहाने आप एटलस को देखेंगे तब काम बनेगा। इनफैक्ट हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर भी एक द्वीप है, पिछली बार नहीं बताया था, इस बार पूछना चाहता हूँ क्या है इसका नाम, छोटा सा द्वीप है, कितने लोग ढूंढ पाएंगे, भौतिक मानचित्र पर है ये द्वीप, भौतिक मानचित्र पर है ये द्वीप, कौन सा द्वीप है जल्दी से बताइए, कितने लोगों को मिला, बहुत अच्छी बात है। सोकोत्रा, सोकोत्रा, जब चक्रवात आते हैं ना, चक्रवात आते हैं अफ्रीका की तरफ, तो रिपोर्ट आती कि सोकोत्रा की तरफ चक्रवात बढ़ रहा है, ये सुकोत्रा है, यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पे कोमोरोस है, सेशिल्स है, मॉरिशियस है, रीयूनियन है। जब आपसे ये पहली बार आपकी जुबान पे ये आइलैंड्स आएंगे, जब आपकी नजरें जाएंगी, अच्छा भाई यहाँ पे मदिरा है, यहाँ पे कैनेरी है, यहाँ पे केप वर्डे है, मेरा केवल एक उद्देश्य है, आए तो सही आपके जीवन में कि यहाँ पे मदिरा, ये कैनेरी, ये केप वर्डे, ताकि जब परीक्षा में आए तो हम सबका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, वो एकदम पकड़ लेगा, वो एकदम पकड़ लेगा, इसलिए ये चिन्हित करता हूं। किसी को लग रहा है तो समय व्यर्थ हो रहा है, समय नहीं व्यर्थ हो रहा बेटा, मैं कोडिंग कर रहा हूं, मैं कोडिंग कर रहा हूं, मैं पूरे एक उद्देश्य के साथ काम कर रहा हूं। किसी को लगा सर ये तो कल भी बताया था, आज क्यों दोहरा रहे हैं, आप सोचिए आपकी गहराई के लिए, आप ही लोग तो ऐसी चुनौतियों में फंसे हुए, सच बताइए, ईमानदारी से बताइए कि आप बहुत सारी क्लास करते हैं, एक के बाद दूसरी क्लास, दूसरी, तीसरी, सब भूलती चली जाती है, तो मैं ही शिक्षक के तौर पर उसको कहीं पे कोडिंग कर रहा हूं, विश्वास रखिए, उसे गहराई में जाने दीजिए, रिपीटिशन से याद होता है, रिपीटिशन से याद होता है। आपका समय आप न जाने कैसे बांध के बैठे, मेरा समय ऐसा है कि भाई उससे चीजों में परिवर्तन आना चाहिए, सोच में परिवर्तन आना चाहिए कि क्यों अफ्रीका मानवता का पालना होने के बावजूद भी पाल नहीं पा रहा है, समझ में, ठीक है, चलिए यहां तक आ गए सभी लोग, ये भी हो गया। अच्छा नदियों की बात, नदियों की बात पे आते हैं, तो पहली नदी तो यहां पर आएगी, वो नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती, वो नदी जिस विषुवत रेखा को दो बार काटती है, तो मैंने लिख दिया कॉन्गो। बहुत से लोग नाराज हो गए, सर ये तो जायरे है, अरे भाई सेम है देश, देश का नाम कॉन्गो, जायरे सेम है, सर मेरी एटलस में तो जायरे लिखा है, अब क्या करूं, जायरे जहर, जहर खा लो, अरे भाई दूसरा नाम है, कोई बात थोड़ी है, कॉन्गो जायरे नाम बदल गए, इतना दुखी हो रहा है यार, उससे आगे नहीं सोच पाता, सर कॉन्गो लिखे लेकिन मेरी में जायरो है, सर ये तो मेरे एटलस के पैसे तो वापस करवा दो, या फिर आप गलत मत बताओ, भाई नाम बदल गया यार, ठीक है। तो सभी लोग मेरे साथ हैं, केवल पावर कट हुआ है, मेरा ऑडियो आपको मिलता रहेगा, मेरा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए आउट हुआ है, तो चिंता नहीं करेंगे। अब सभी लोगों को क्या करना है, अब सभी लोगों को पश्चिमी एशिया का मानचित्र खोलना है, सभी लोग क्या खोलेंगे, पश्चिमी एशिया का, पश्चिमी अफ्रीका का मानचित्र खोलेंगे और वेस्टर्न सहारा के नीचे के देश ढूंढिए, जल्दी से ढूंढेंगे वेस्टर्न सहारा के नीचे के देश, चिंता नहीं करना है, क्लास चालू है, मैं आपसे बोल पा रहा हूं, सब कुछ चल रहा है, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए गया, ठीक है। अफ्रीका का पॉलिटिकल मानचित्र जल्दी से बताइए, कौन से देश है वहां पर, कितने लोगों को मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड मिल गया है, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड मिला या नहीं मिला, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड,
मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड, सभी लोग मेरे साथ हैं। मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड। एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आपने एमएनसी सुना है? जो अंतरराष्ट्रीय देशों में कंपनियां चलती हैं, उससे याद कर सकते हैं। माली, नाइजर, चैड, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मॉरिटेनिया के बाद माली, नाइजर, चैड, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये भूमि से घिरे हुए हैं। माली, नाइजर, चैड मिला या नहीं मिला? एमएनसी लिख लेंगे, वहीं पर एटलस में लिख दो ना, एमएनसी आसानी से याद रहता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या रटिएगा, माली, नाइजर, चैड, इनकी हकीकत जानिए। हकीकत यह है कि मरुस्थलीकरण के कारण यहां पे बहुत तेजी से मरुस्थल का फैलाव हो रहा है। और यहां एक शब्द मैं आप सबको देना चाहता हूं, इसे कहते हैं साहेल। तो क्या आपकी एटलस में कहीं पे साहेल लिखा है भौतिक मानचित्र पर? देखकर बताएंगे। कोई कह रहा है सर बुर्किना फासो। हाँ, इन सब के बीच में एक फंसा हुआ है, उसका नाम है बुर्किना फासो। वो बुरके में फंसा हुआ है। बुर्किना फासो मिला कि नहीं मिला? एमएनसी के नीचे एक बुर्किना फासो मिलेगा, छोटा सा। मेरे ख्याल से उसकी राजधानी बहुत अजीब सी, ओगू डोगू। ओगू डोगू है, जरा चेक करिए बुर्किना फासो की राजधानी कौन सी है। बहुत समय हो गया मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको पढ़ा नहीं। क्या है बुर्किना फासो की राजधानी? फंसा हुआ मिल गया। सभी लोग मेरे साथ, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, चैड। मैंने इस एमएनसी की बात की। सभी लोग अगर आप मेरे साथ हैं तो एमएनसी लिख लेंगे, अपनी एटलस में लिख लीजिए एमएनसी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एमएनसी। और यहां पे मॉरिटेनिया मोरक्को से ही चला आ रहा है, मोरक्को, मोरक्को, मॉरिटेनिया, बीच में डिस्प्यूटेड वेस्टर्न सहारा, ठीक है। और जो फंसा हुआ है ये क्या है? ये फंसा हुआ है बुर्किना फासो, पूरा फंसा है। सभी लोग मेरे साथ, यहां पे बच्चों क्या है, ये दिखाई दे रहा है सहारा मरुस्थल। सहारा खत्म हो गया, सहारा खत्म हो गया, अब ये क्षेत्र आ गया। इस क्षेत्र के लिए एक विशेष नाम है, कई लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, साहेल। क्या है बच्चों साहेल, किसी को कोई अंदाजा? आपकी एटलस में साहेल लिखा हुआ है? आतंकवाद का दूसरा नंबर सर बुर्किना फासो। सब जगह आतंकवाद है यार, यहाँ सब जगह आतंकवाद है। आपने बोको हराम सुना है कि नहीं नाइजीरिया में? अच्छा है, सिर्फ सुना ही सुना है। सभी लोग मेरे साथ, इस पर अभी आएंगे या इसी में बनाता हूं। बच्चों ये क्या है, लाल रंग से लिख रहा हूं, सहारा। ठीक है, और अपनी भौतिक मानचित्र में कितने लोग मुझे देखकर बताएंगे कि यहां पर लिखा होगा साहेल? कितने लोगों को ये लिखा हुआ मिला साहेल? मत मानो भाई, पेन है कहीं पे लिखा हुआ साहेल? तो मेरी एटलस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सहारा के जस्ट नीचे यहाँ पे कौन सी देश है? माली, नाइजर, चैड, ये कौन से देश हैं? साहेल। इनको क्या कहा जाता है? साहिल। और जैसे सहारा SAHARA फैला हुआ था, ऐसे साहिल भी होगा बच्चों, साहिल भी होगा। और सर मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एकदम अभागा हूं। ले साहिल, कुछ बना लेगा। जो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि सर मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, सब लोग समझ रहे हैं सर, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं सर, मेरे साथ अन्याय है, सब तरह से बता दिया साहिल। ठीक है, अब आते हैं इसमें हैरानी की बात कि साहिल है क्या, कितने लोग जानते हैं साहिल क्या है? कोई मुझे बता पाएगा साहिल क्या है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे बना लो अपनी एटलस में, कलम लेके बना लो और यहां पे लिख दो जो आपका नाम है, सिग्नेचर कर देना, ये मैंने बनाया जिंदगी में पहली बार एटलस सिग्नेचर करके। आप बनेंगे मानचित्र विशेषज्ञ, क्या टेंशन है? सभी
सब कुछ बना हुआ है। मैंने तो लिख के देखो यार अपनी फोटो में दिखा दिया इधर कि बेटा यहाँ पे साहिल है, उसके बाद इसमें भी दिखा दिया, उसके बाद सीना फाड़ के मैं भगवान राम ही दिखा पाऊंगा कल रामनवमी मनाने के लिए, वहां साहिल ना दिखा पाऊंगा यार, ये दिक्कत है। ठीक है जल्दी से बताइए क्या है साहिल क्या है। अब मैं बताना चाहता हूं जो लोग साहिल नहीं जानते, साहिल के लिए एक शब्द दे रहा हूं। भाई चल जाओ, इसको बुरा लग रहा है अब चलेगा। साहिल है बच्चों, साहिल दिल्ली में बादल गरज रहे हैं, साहिल है साहिल। अब बता दीजिए साहिल का मतलब क्या होता बच्चों, उत्तर हो गया हिंदी माध्यम वालों के लिए तो उत्तर हो गया, साहिल क्या होता बच्चों उर्दू का शब्द, साहिल साहिल मतलब, साहिल मतलब तो यही तो नहीं पता। अरे कश्ती को किनारा मिल गया होता साहिल मिल गया होता, सुना है कभी किनारा, मिटा नहीं सकते इससे किनारा, किसका किनारा, रेत के सागर का किनारा। तो ये मरुस्थल यहां खत्म होता था बच्चों और उसके बाद ये विषुवतीय क्षेत्र आता था, तो ये कैसा क्षेत्र हुआ जल्दी से बताइए, कैसा क्षेत्र हुआ, ये ट्रांजिशन का क्षेत्र है, ट्रांजिशन, यहां मरुस्थल और यहां पे हरियाली, हरियाली और मरुस्थल के बीच का क्षेत्र ट्रांजिशन का क्षेत्र है, संक्रमण का क्षेत्र है, समझ में आया, ट्रांजिशन जोन, ये बहुत अहम हो जाता है, ये इसके आगे मरुस्थल नहीं फैलना चाहिए। और अफसोस की बात यह है जलवायु परिवर्तन के कारण यहां मरुस्थल फैल गया, यहां मरुस्थल फैल गया। सर उससे क्या होता है बच्चों, अब ये जो क्षेत्र है इसका अगर आपने कभी नाम सुना हो तो बच्चों ये घास क्षेत्र है, सवाना कहते हैं। अब अगला अटैक किस पर होगा, सवाना पर होगा। मरुस्थल का किनारा, रेत के सागर का किनारा कहलाता था साहिल, ये वो क्षेत्र था जिसमें रेत अभी घुसी नहीं थी, थोड़ी हरियाली थी, थोड़ी सी झाड़ियां थी जिनकी वजह से रेत आगे नहीं बढ़ती थी, लेकिन हमने क्या किया, उन हरियाली उन झाड़ियों को काट दिया या पशु चारण में खा गए, कृषि के लिए यूज कर लिया, यहाँ छोटी मोटी मौसमी नदियां हुआ करती थी, उन नदियों का दोहन कर लिया कृषि में, सब खत्म। अकेला पानी का स्रोत क्या बचा था, अकेला पानी का स्रोत बचा था एक झील जिसके नाम पर एमएनसी देश का नाम है, सी का नाम बता दीजिए, सी से क्या है, सी से क्या है बच्चों, सी से क्या है, एमएनसी में सी क्या है बच्चों, सी क्या है बच्चों जल्दी बताइए, एमएनसी में सी क्या है, एमएनसी में सी क्या है, द चैड, चैड में क्या है, द चैड में है चैड झील, सुना है चैड झील, ये रही चैट झील, दिखाई दे रही चैट झील, सभी लोगों को चैट झील मिल गई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है चैट झील अब केवल एटलस में है, दुनिया से गायब हो गई। यूपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा अराल सागर के बारे में, केंद्रीय एशिया का एक सागर सूख गया मरुस्थल फैलने के कारण, वो केंद्रीय एशिया में, अफ्रीका में क्या उदाहरण है, चैट, ये साहिल की पेटी है जिसमें खूब दोहन हुआ, यहाँ के लोगों ने दोहन किया, पानी चला गया। सर यहाँ पे झील बनी क्यों थी, एक सवाल ये भी आता है बच्चों, यहाँ पे झील बनी क्यों थी, झील बनी क्यों थी, तो बच्चों झील क्या होता है, झील का बताया था ना, झील निचले स्थान है जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं से भी पानी इकट्ठा हो जाता है। सर ये निचला स्थान है आपको कैसे पता, मुझे इस मानचित्र से पता, इस मानचित्र से मुझे सारे खड्ड पता है, ये चैड का खड्ड था, ये चैड का खड्ड था, इस खड्ड में पानी, सतही पानी और भूजल भी यहां पर होगा। सूडान में एक सुड नाम की दलदल है, क्यों है, क्योंकि वहां पर खड्ड है, खड्ड में पानी आकर भरता है, ये सारे क्षेत्र ऐसे, थोड़ा सा यहां पर पानी है जॉफ बेसिन में। इन देशों ने, आपको पता है, आपस में संधि करी है, इन देशों ने आपस में संधि करी है कि हम इस पानी का दोहन बिना सोचे समझे नहीं करेंगे, ये चुनौती है अफ्रीका की। सबको चैड झील मिली, पता नहीं खुश होना चाहिए मुझे या दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये यहीं पर है भाई, अब नहीं है। तो यूपीएससी ने दो झीलों पे सवाल पूछा है, एक पूछा है अराल सागर पर, एक पूछा है लेक बैकाल पे,
अगला सवाल किस पे बनेगा? चैट पे बनेगा, चैट पे बनेगा। ये विश्व के जलवायु परिवर्तन पे आपके पास प्रश्न आते हैं, तो ये केस स्टडी भी है, ये केस स्टडी भी है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन से सारी चीजें जा रही। सर पानी कहां से आया उसमें? बिस्लरी वालों ने प्लांट खोला था पप्पू, कह रहे पानी कहां से आया उसमें? अभी तो बताया मौसमी वर्षा, वर्षा क्यों नहीं होगी? कह रहा सर पानी कहां से आया बताइए। एक बात बताइए, क्या भारत में राजस्थान में सांभर नाम की झील है, क्या उसमें पानी है बताइए? ऐसी ऐसी बात पूछ लेगा। और फिर बात करते हैं देशभक्ति की, अरे एनआरआई हो क्या? कह रहे सर यहाँ पानी कैसे है? बेटा पानी या तो अब इंद्र देवता, पता नहीं अफ्रीका उनका जाना होता है नहीं होता है। अगली बार जब मैं डिनर पे मिलूंगा ना इंद्र देवता से, मैं प्रभु अफ्रीका भी जाते हैं क्या? एक बच्चा पूछ रहा था कि वहां पे चैड में पानी कैसे पहुंचा, गोलगप्पा वाला पानी था उधर थोड़ा बहा है, झील है झील। और मैं पढ़ा चुका हूँ बच्चों, मैं झील पढ़ा चुका हूँ ना, झील पढ़ा चुका हूँ, कई तरह से बनती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेता है, चुटकुला बीच में आना चाहिए। कई लोग ऐसा होता है सर टाइम बर्बाद कर दिए, कमेंट क्यों पढ़े? अरे भाई तुम भी तो पढ़ पढ़ के झंझना रहे हो, इतना खखोड़ना नहीं चाहिए मास्टर को। ठीक है चलिए, यहाँ पर क्या हुए, छोटे छोटे देश हैं सेनेगल, और सेनेगल के बीच में ही गैम्बिया, उसके बाद गिनी बिसाओ और गिनी, ये छोटे से देश हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया दो आजाद देश, आजाद देश जो स्लेव्स के लिए बनाए गए, फ्री टाउन किसकी राजधानी है? सेरा लियोन और लाइबेरिया, याद है सभी लोगों को? सेरा लियोन और लाइबेरिया याद है? लाइबेरिया किसके लिए? जो देश आजाद हुए, जो स्लेव्स आजाद हुए उनके लिए लाइबेरिया बना, और सेरा लियोन, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। उसके बाद आता है आइवरी तट, आइवरी तट या आइवरी कोस्ट या फिर कोट डी आइवरी, कोट डी आइवरी। मैं सभी को बताना चाहता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे, अगर मैं यूपीएससी में पेपर सेटर हूं तो मैं इस क्षेत्र से पक्का प्रश्न बनाऊंगा, परेशान करेगा। इस क्षेत्र को क्रमवार तरीके में, क्रमवार तरीके में देशों के नाम होने चाहिए। और एक तरीका मैंने आपको यहाँ आइवरी कोस्ट के बाद बताया था, यहां पर अगर आप लोगों को याद हो, कुछ लोगों को क्लास में याद हो, GTBN गुरु तेग बहादुर नगर, ये दिल्ली में एक बसों पे लिखा रहता है, टर्मिनस है घाना टोगो बेनिन नाइजीरिया, घाना टोगो बेनिन नाइजीरिया, समझ में आ गया? अब यहां पे अहम क्या है इस स्क्रीन पर, अहम क्या है इस स्क्रीन पे, अहम मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों? एक तो ये झील परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, चैड झील। एक मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है नदी, कौन सी नदी? नाइजीरिया में आ रही है नाइजर नदी। और एक मुझे दिखाई दे रही है वोल्टा नदी, वोल्टा नदी, ये वोल्टा नदी है बुर्किना फासो, ऊपरी वोल्टा और घाना निचला वोल्टा, ये इनके पुराने नाम है, बट बुर्किना फासो और घाना दिखाई दे गया सभी को, दो नदियां भी मिल गई मेरे काम की, वोल्टा नदी और नाइजर नदी। दो कॉन्सेप्ट हो गए, साहेल का कॉन्सेप्ट हो गया, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया इस पश्चिम की तरफ से, साहेल का कॉन्सेप्ट बता दिया, साहेल हो गया। उसके बाद क्या है, वोल्टा नदी, नाइजर नदी, ये हो गया। उसके बाद चाड झील में क्या हो रहा है ये भी समझ में आ जाना चाहिए, आ गया या नहीं आ गया सभी लोग मेरे साथ? उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से मैं कौन से देश यहां पर इच्छुक हूं, मैं इन देशों में इच्छुक हूं। ठीक है, अगर मुझे याद करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेनेगल, सेनेगल देश, सेनेगल में एक गैम्बिया, उसके बाद क्या है गिनी बिसाओ और गिनी, एक दो तीन चार, ये चार देश का एक समूह बनाऊंगा, छोटे छोटे साथ में जुड़े हुए, गिनी गिनी गैम्बिया और एक सेनेगल। मैंने कहा था हमारा दिमाग सात चीजों से ज्यादा याद नहीं करता, इतना करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, सियरा लियोन, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट, तीन का ये समूह बना दूंगा, तीन का ये समूह बना दूंगा। सियरा लियोन और लाइबेरिया किसके लिए था? वो जो दास आजाद हुए उनके लिए, लिबरेटेड नया देश बना। ठीक है, सियरा लियोन की राजधानी क्या है? फ्री टाउन, फिर से फ्रीडम से जुड़ी हुई, फ्री टाउन हो गया। ठीक
है, और ये आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के बाद कौन से देश हैं? जी टी पी एन। ऐसे इनके तीन ग्रुप बना लीजिए, आपको हमेशा याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर क्या है बच्चों? एम एन सी। और फंसा हुआ देश क्या है? फांसो, फांसो देश, बुर्किना फांसो। एम एन सी क्या है? माली नाइजर चैड। माली नाइजर चैड को मैंने किस श्रेणी में डाल दिया? साहेल में डाल दिया। क्या आपका पश्चिमी अफ्रीका का परिचय पूरा हो गया? यहां पे कौन सी झील थी? चैड झील थी। कहां चली गई, कहां चली गई ये झील? तो जैसे जैसे तापमान बढ़ा तो क्या हो गया, इसका पानी क्या होने लगा? वाष्पित होने लगा। फिर कोई बात नहीं, कुछ तो नदियां आती थी, कुछ तो वर्षा आती थी, उससे भर जाता होगा। नदियों को हमने क्या किया, अगर कोई नदी आती थी तो उसपे हमने क्या कर लिया? कृषि कर लिया। तो नदी का पानी जाने नहीं दिया, नदी का पानी बिल्कुल जाने नहीं दिया। वर्षा के चक्र बदल गए हैं, वर्षा पड़ नहीं रही है, तो कई सालों में पानी कम होता गया, होता गया, होता गया। क्या एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो झील हमेशा के लिए सूख गई? वो हमेशा के लिए सूख गई। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी है। समझ में आया? फिर बच्चों बता रहा हूं, उस क्षेत्र का परिचय भी देता हूं, उस क्षेत्र का राजनीतिक देश राजधानी भी देखने का आपको एक बार मौका देता हूं, उस क्षेत्र की आपको एक समझ भी देता हूं, और उसके बारे में मानचित्र पर देख लेते हैं तो हमारी स्मृति में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। और यहीं पर बच्चों, यहीं पर बहुत सारे डिजीजेस भी होते हैं, जिसमें हम एक लेटेस्ट अगर हम बात करें, इबोला इसी क्षेत्र में आया, इबोला इसी क्षेत्र में आया। और ये जो नाइजीरिया में जो टेरर की बात है, इसमें आपने सुना होगा बोको हराम, टेरर ग्रुप बोको हराम। बोको हराम के आतंकवादियों ने एक स्कूल पे अटैक किया, लड़कियों का स्कूल था, 300 लड़कियां उठाकर ले गए। आतंकवादी स्कूल पे अटैक करते हैं, 300 लड़कियां उठाकर ले गए, पूरी दुनिया में छपा कि आतंकवादियों ने आकर 300 लोगों को, 300 लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले गए। पूरी दुनिया, यूएसए, यूरोप, नाटो, सीटो, रूस, जो मर्जी कर लो, कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे सोच रूढ़िवादी, सोच आतंकवाद के नाम पर खूब की जाती है बर्बरता। और कोई भी देश, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अगर कोई देश अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो अपने पैरों पे, अपने बूते पे खड़ा होगा, नहीं तो पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी। कोई ये मदद दे दो, कोई ये मदद दे दो, यहां पर कोई पहुंचा नहीं जब बोको हराम ले गए। 3 साल बाद, 3 साल बाद कुछ बच्चियां इधर उधर मिली, उन सब बच्चियों से वेश्यावृत्ति सब कुछ करवाई जा रही थी। सोचिए कितना बड़ा, इतना बड़ा धब्बा है, कितना बड़ा दाग है दुनिया की डिप्लोमेसी पर, दुनिया की विश्व शक्तियों पर, जो ये भी नहीं कर पाए और बात बड़ी करते हैं। सोच के देखिए। और आप पूछते हैं, सर ये तो मानवता का पालना है, सर यहां अराजकता क्यों है? बताऊं मैं, सोमालिया में जब बच्चा जन्म लेता है ना, और उसे पता चल जाए बेटा सोमालिया में हो, तो गर्भ में वापस घुसने का मन करेगा, गलती हो गई। बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, भारत में। वो बोला कब की घटना है, कभी इंटरनेट भी खोलो, वो वाली साइट छोड़ के भी कुछ देखा करो। कब की घटना है सर, तब से सूखी, क्या कह रहा है सर, जब से झील सूखी तब से बारिश नहीं हुई। ये देखो नितेश को ये है कि सर बारिश, अरे चचा सूखी झील में एक ही साल की बारिश में थोड़ी भर जाएगी, ये तो कोई कल्पना भी नहीं करना चाहता है। बेचारा बैठकर सोच रहा है कि आज पानी खत्म हुआ, कल थोड़ा बरस जाएगा, ये और वो। बेटा बारिश होगी तो क्या वहां के लोग कृषि नहीं करेंगे, वो झील का पानी नहीं पी रहे हैं, मांग देख नहीं रहा है, सिर्फ आपूर्ति की तरफ सोच रहा है। इस तरह की बातें ना करो यार। तो सभी लोग, दिल्ली में भारी बारिश हो रही है, इस कारण कुछ आंधी है, कुछ तूफान है,
और पावर कट हो रहा है। भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब तक है जान, जब तक आवाज है, तब तक क्लास चल रही है, ठीक है? और कोई जो जानना चाहता है कि सर ये झील कैसे गायब हो जाती, बिल्कुल ऐसे गायब होती जैसे मैं गायब हुआ हूं। सभी लोग अब कहां पर जाएंगे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ चलेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे। सभी लोग अब पूर्व के देश देखना शुरू करेंगे। कौन से देश देखेंगे? सोमालिया। जल्दी से देखेंगे पूर्व के देश। सभी लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो कुछ देर पावर का बैकअप चल रहा है, देखते हैं अगर दिल्ली में पावर का संकट इसी तरह रहा तो हो सकता है ट्रांसमिशन में कुछ एरर आए। तो क्या क्या दिख रहा है वहां पर? सोमालिया दिख रहा है, इथियोपिया दिख रहा है, एरिट्रिया दिख रहा है, जिबूती दिख रहा है, कीनिया दिख रहा है। जल्दी से पश्चिम के देश, जल्दी से देखेंगे पश्चिम के देश। सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, मिल गया। सोमालिया मैंने आपको पहले ही बताया 25 साल से यहां सरकार नहीं है। सर कोई सरकार तो बना दे यहां पर, आप जाके चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा रहे तो शायद जीत भी जाएंगे। सोमालिया यहाँ पे समुद्री लुटेरे, आपने सुना होगा सोमाली पायरेट्स, ठीक है? सोमालिया वाला जो क्षेत्र है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और एशिया के बीच में, यहां पर लाल सागर और अरब सागर को एक जलसंधि जोड़ती है। जल्दी से जलसंधि का नाम ढूंढेंगे, जलसंधि का नाम ढूंढेंगे। लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर, अरब सागर, जलसंधि मिल गई, बहुत अच्छी बात है। बाबल मंडप जलसंधि, आशा है मैं अभी भी दिख रहा होऊंगा। बाबल मंडप जलसंधि, चलिए वापस आ गए। झील तो आई नहीं, आई मैं तो आ गया। कुछ लोग इसी उसमें, सर कभी बारिश नहीं हुई कैसे झील नहीं हो जाएगी? आप खुद सोचिए, एक झील जो सूख गई, जो कई वर्षों में कई दशकों में जाके सूख जाती है, एक बारिश से क्या वो झील भर जाएगी? सोचिए। बाबल मंडप, बाबल मंडप ये है जलसंधि, किसको जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को अरब सागर से, बहुत अहम है। और इसी के नीचे आपको देश मिलेगा जिबूती, इसी के नीचे आपको देश मिलेगा जिबूती और एरिट्रिया, छोटे छोटे देश हैं। अभी भी इन पे लड़ाई है, अपनी आजादी ली है इन लोगों ने, अपनी आजादी ली है, इथियोपिया के हिस्से हुआ करते थे। और सोमालिया में मैंने आपको अभी भी बताया कि अभी भी कबायली लोग हैं, कई तरह की कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक दूसरे की सीमाओं को मान्यता नहीं देते हैं आसानी से, और कई अराजकता के तत्व हैं। कोई एक आध तानाशाह होगा जो यहाँ पर रूल कर रहा है, समझ में? तो समस्या क्या होती है? मैंने कहा ना, जिब्राल्टर में कौन से देश कंट्रोल कर रहे हैं? जिब्राल्टर को कौन से दो देश कंट्रोल कर रहे हैं? जल्दी बताइए, जिब्राल्टर को कौन से दो देश कंट्रोल कर रहे हैं? जिब्राल्टर को कौन से दो विकसित देश कंट्रोल कर रहे हैं? जल्दी बताइए सर। यूके का जिब्राल्टर और नीचे स्पेन, यूके और स्पेन, ब्रिटेन और स्पेन, बहुत अच्छी बात है। क्यों? दोनों के दोनों विकसित देश हैं, दोनों के दोनों विकसित देश हैं, तो उन्हें लगता है कि किसी भी तरह के विश्व व्यापार में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? अब हम यहां पर आ जाते हैं। कहां पर आ गए हम? लाल सागर। यहां पे कौन सा देश है? यमन है कि नहीं? ये यमन है। और यहां पर क्या है? जिबूती, दिखाई दिया बच्चों? और ये क्या है? बाबल मंडप जलसंधि। दोनों के दोनों देश, दोनों के दोनों देश बच्चों ये अस्थिर है। तो यहां पर समस्या होगी या नहीं होगी? ये है देश सोमालिया, और यहां पर अटैक होते हैं बहुत सारे जहाजों पर, और यहां पर होती है पायरेसी, समुद्री लुटेरे, जहाजों को कब्जे में ले लेते हैं और पीछे मांगते फिरौती। ये कभी भी बंद कर सकते हैं कि नहीं? ये लोग सब अराजक तत्व हैं। यमन में भी टेररिज्म चल रहा है, यमन में भी टेररिज्म है, सोमालिया में भी, जिबूती में भी। अब क्या करें? एक बड़ा
एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ट्रेड मार्ग, व्यापार मार्ग बंद हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या इसे होने दिया जाएगा? तो ठीक यहां पर जिबूती में आप देखेंगे, जिबूती में यूएस आ जाता है, यूएस आता है, यूके आता है, चाइना आता है, सब आ गए। इन्होंने क्या किया, अपना बेस बना लिया यहां। आपको याद होगा यमन और सऊदी में बमबारी लड़ाई हुई और भारत के बहुत सारे नागरिक फंस गए थे। सऊदी अरेबिया और यमन में, यमन के जो आतंकी ग्रुप हैं, इन्होंने सऊदी के ऑयल रिफाइनरीज पे बम दाग दिए। उसके बदले सऊदी ने कहा हम तुम्हें तबाह कर देंगे, समूल नाश कर देंगे, और यहां भारतीय लोग फंस गए। तब भारतीय नौसेना ने, वायुसेना ने मिलकर यहां पर चलाया ऑपरेशन राहत। मुझे नहीं पता कितने लोगों को याद होगा, यहां चला ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन राहत, जिसमें हमने अपने भारतीय लोगों को बाहर निकाले और जिबूती के बेस में लेकर आए पानी के जहाज से। और जब हमने ये बमबारी रुकी, कई लोगों ने पढ़ा होगा, खबर पड़ी होगी कि मोदी जी ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया कि थोड़े समय बमबारी रोक दो कुछ घंटे। अब सही गलत तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही काबिले तारीफ काम हुआ। इतना काबिले तारीफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन राहत में जब हम भारतीय नागरिक निकाल रहे थे, कई विकसित देशों के कॉल भारत को आए कि भाई अपने तो निकाल ही रहे हो, हमारे वाले भी निकाल लाओ, हम नहीं निकाल पा रहे। सोचिए किस तरह से भारत ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम किया। ये जो अक्षय कुमार के चाहने वाले, अक्षय कुमार के मोहब्बत में दीवाने, सर एयरलिफ्ट मूवी थी, बेटा नशा छोड़ दो, नशा छोड़, अब भूगोल की क्लास है ना। मुझे पता है आपको अक्की बहुत पसंद है, क्योंकि अक्की अपना लक पहन के निकलते हैं, तो आप अपना लक अक्की पे लगा रहे हैं। अक्की के चाहने वालों को मैं बताना चाहता हूँ, अक्की ने जो एयरलिफ्ट बनाई थी वो कुवैत के लिए थी बेटा, ठीक है, गलत गलत मत छाप दो। ऑपरेशन राहत, यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाल के जिबूती के बेस पर भारतीय नौसेना और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया, और बहुत सारे विदेशी नागरिकों को भी उस समय भारत ने निकाला। सोचिए हमारी क्षमता वहां पर, ठीक है। तो जितने भी लोग यहां पर हैं, अक्की अक्षय के दीवाने, अक्षय अक्षय, तो ये अक्षय वालों के लिए एयरलिफ्ट। कईयों को तो भारत का इतिहास, भारत का भूत, भारत का वर्तमान, भारत का भविष्य सिर्फ बॉलीवुड से ही पता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय के चाहने वालों को एयरलिफ्ट अगर याद आई, कम से कम याद तो आई कि भारतीयों ने बचाया था कहीं पर, कुवैत, कुवैत, ठीक है। चलिए तो ये क्या हुआ, अरे यार इतनी सारी बात कर रहे हैं हम, कभी भी लाइट जा सकती है। तो बच्चों हम कहाँ की बात कर रहे थे, यहाँ की, सभी को समझ में आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा नदियों की बात होगी तो कुछ नदियां बच्चों बना लेंगे। अब मैंने कितनी नदियां बता दी आपको, सर आपने वोल्टा बता दी हमें, सर आपने नाइजर बताई, कहाँ बताई सर, अरे अब बता रहा हूँ यार, लिख लो, तुम तो गुस्सा हो रहे हो, दिखाई तो थी अभी, नदी लिख दूँ सर, मेरे नोट्स नहीं बन रहे हैं सर, रात को नींद नहीं आती, 150 ग्राम तो नोट्स दिया करो, हाँ लिखो लिखो, 150 ग्राम तो हो जाएगा, इतना तो मैं निकाल दूंगा यार। नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, नील में कौन सी नदी है, ब्लू नाइल, नीली नदी, नीली नील और वाइट नाइल, ठीक है। ब्लू नाइल कहां से आती है, टना झील से, टना झील से ये शुरू होती है, इथियोपिया में है। और व्हाइट नाइल कहां से होती है, विक्टोरिया झील से शुरू होती है, ये नील नदी है। 150 ग्राम लिख लो चिंता ना करो, एकदम सर समझ नहीं आया, कम से कम कुछ लिखवा तो देते ही सर, अगर मैं नहीं पास हुआ कम से कम अपने नोट्स बीवी को दे दूंगा शादी के बाद, ठीक है। तो सुहागरात में क्या करेंगे, नोट्स लेके जाएंगे, ये सचिन सर के नोट्स थे, इसे पढ़ लेना, वहीं भाग जाएगी भाई छोड़ के, सच बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मिली होगी, वो भी भाग जाएगी। तो इसलिए खुद ही समझ लो, उस पे मत जोर डालना। उसके बाद क्या था, नाइजीरिया से नाइजर, नाइजर और घाना से वोल्टा, घाना से वोल्टा। और वो नदी जो दो बार विषुवत को पार करती है उसका नाम क्या है, कांगो। कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाए, सर मेरे में कांगो नहीं है, जायरे है, तो जायरे लिख लो यार, जायर नदी, जायर नदी, ठीक है। ये विषुवत को दो बार काटती है, सर ये आपको कैसे पता, अरे मानचित्र में दिख रहा है भाई, आपको कैसे पता बताओ,
ये मेरी साजिश है कि विश्ववत को दो बार काटा, क्यों? क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सके। अरे भाई देखने में उसकी शक्ल, सर ये विश्ववत को वैसे दो बार क्यों काटती है? इसको श्राप मिला था कि तुम सीधा नहीं जा पाओगी, तुम जो है टेढ़ी मेढ़ी जाओगी। अरे भाई नदी है, जहां उसको रास्ता मिला होगा मिल गया, इत्तफाक से एक वेटर क्रॉस हो गया। अच्छा एक नदी ऐसी भी है, एक नदी ऐसी भी है अफ्रीका में, दक्षिणी गोलार्ध में, जो मकर रेखा को दो बार काटती है। नाम बताइए जल्दी से। पश्चिम में गिर रही है, सॉरी पूर्व में, पूर्वी तट पे गिरेगी। कांगो तो हो गई, विषुवत को दो बार काटती है। जल्दी से बताइए मकर को कौन सी काटती है? मकर को काटती है, कितने लोग ढूंढ पाए? सर मेरे पास ना एटलस ही नहीं है, बाकी सब लिख देंगे तो मैं लिखूंगा। बहुत अच्छी बात है, लिम्पोपो, लिम्पोपो। कुछ लोग बहुत दुखी हैं, सर कुछ भी आपने इंग्लिश में नहीं लिखा। अरे नाइजर, वोल्टा, कॉन्गो, कॉन्गो है, लिम्पोपो, LIMPOPO। अच्छा एक और मुझे बहुत मजेदार नदी लगती है, तो अगर मैं बना भी दूं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थोड़े दुखी होंगे। बच्चों ये दिख रही है, ये होगी लिम्पोपो। दो बार काट दिया इसने किसको? मकर रेखा को। ये क्या हो गई? कांगो। इसने क्या काट दिया? विषुवत रेखा को। ठीक है एक चीज अब मैं और बताना चाहता हूँ। एक मुझे जेड शब्द से बड़ा प्यार है। यहाँ पे है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनकर एक जेड की नदी है जो जेड से आती है। जाम्बिया जिम्बाब्वे से जाती हुई जेड नाम की एक नदी है। कोई बता सकता है क्या है वो जेड की नदी? जेड की नदी जल्दी से देख के बताएंगे। देख ले कहाँ हो भाई, तो पावर पॉइंट बंद हो गया था। जल्दी से देख के बताएंगे। जेड वाली नदी, जेड से शुरू होती है, एक ही है जेड वाली नदी। अब तक तो मिल भी गई होगी, देखूं। अरे बहुत बढ़िया यार, जम्बेजी, आप लोग एकदम सही जा रहे हो यार। कई बार तो ऐसा लगता है तुम लोग ही ची गॉड हो, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू फॉर डूइंग दैट। ये देखिए ये आपकी दिख रही जम्बेजी, यहीं पर मशहूर जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा झील। सर मेरी में नहीं दिख रही है, ये दिल से देखेगा तो दिखेगी ना। सर हो भाई, बच्चे दिखाई दे रही है? अब मैं खुद ही मानचित्र ले आया। जम्बेजी, करीबा झील, लिविंग स्टोन जलप्रपात, जम्बेजी। ये जेड से जाम्बिया, जेड से जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जेड जेड की सीमा बनकर आती है जम्बेजी। मिल गई। और ये क्या है? लिम्पोपो। बच्चों दिख रही है उसके नीचे लिम्पोपो, लिम्पोपो। एक मोजाम्बिक के बीच में गिरती है, एक मोजाम्बिक के दक्षिण में या मापूतो की खाड़ी में। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, नामीबिया। नामीबिया और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बीच में सीमा बनती है ओरेंज नदी। ऑरेंज नदी यहां बहती है। तो कुछ लोग अब चिंता में होंगे, आधे लोग तो इसी जैसे ही ये करता हूं ना काम तो घबराने लगते हैं। अरे भाई देखना क्या है, बनाना क्या है, देखना क्या है, बनाना क्या है। आराम से देख लो, बना क्लास के बाद भी लेना, संभव है कि नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो जम्बेजी नदी आ गई, ये लिम्पोपो नदी आ गई, और यहां पर एक नदी ऐसे जा रही है, इसका नाम क्या है? ओ से ऑरेंज। और यहां पर कौन सी नदी थी? बस ऐसे ही तो बनाना होता है, नदियां हो गई, नप गई नदियां। सर इसके अलावा कोई और नदी नहीं हो सकती? हो सकती है, बहुत सारी होंगी। मैं तो प्रमुख नदियों की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पहला आता है नील नदी, दूसरा कांगो नदी, यहाँ पे नाइजीरिया में नाइजर नदी, यहाँ पे घाना जिसका नाम वोल्टा हुआ करता था वोल्टा नदी, उसके बाद जेड 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 जिम्बाब्वे जाम्बिया की जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी पर क्या है? विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर है, लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर है, उसके बाद लिम्पोपो। ये क्या करती है? मकर रेखा को दो बार काटती है। और ऑरेंज नदी क्या है? ये है दक्षिण अमेरिका, ये है नामीबिया, इन दोनों की बाउंड्री बनाती है, इन दोनों की सीमा बनती है। ये नामीबिया और ये, और नामीब में मरुस्थल है। और आपको ये बता दूं यहां पर एक गड्ढा है, उस गड्ढे में क्या बनता है? एक मरुस्थल। क्या नाम है उस मरुस्थल का? नाम कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। सभी लोग मेरे साथ ठीक है?
नदियां भी हो गई, नदियां भी हो गई, झीलें नहीं हुई, झीलें नहीं हुई। तो बच्चों एक झील यहां बना रहा हूं, क्या नाम है इसका? साहिल में जो झील है, कितने लोग जानते हैं इस झील का नाम? तो साहिल की झील का तो मुझे पता है, साहिल की झील का तो मुझे पता है। पर चैड सूख गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों यहाँ पे आसवान बांध बना दिया तो कौन सी झील बनी, जल्दी से बता दो। आसवान बांध बांध दिया तो कौन सी झील बनी इजिप्ट में? देखूं कितने लोग बता पाएंगे चैड के बाद। आसवान बांध बांधा तो उसके पीछे झील बन गई, कौन सी झील है जल्दी से बता दो। नेता थे वहां के नासिर, नासिर के नाम पे, नासिर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा नील नदी दो झीलों से आती है, एक झील तो इक्वेटर पर है और एक झील यहाँ पे इथियोपिया में, क्या नाम है इनका? सर इसका नाम आपने टना बनाया, इसका नाम विक्टोरिया बताया, टना और विक्टोरिया। कितने लोग मेरे साथ हैं? सर मैंने लिखे नहीं है सर, 50 ग्राम तो लिखवा देते, 50 ग्राम में लिखवा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा? जम्बेजी और ओरेंज नदी। झील की बात कर रहा हूं, झील में कौन सी आई? टैड झील, टैड जो सूख चुकी है, उसके बाद लेक नासिर, नासिर साहब के नाम पर। उसके बाद हमने की अभी विक्टोरिया झील और टना झील। टना झील कहां पर है? इथियोपिया में। ये तो सब ढूंढ भी चुके हैं कि नहीं? ये तो ढूंढ चुके हैं। देखिए आप सब एक बार काम कर रहे होते हैं तो अपने आप हो जाता है कि नहीं होता? ठीक है, लेक टना भी हो गई। अच्छा एक और अहम चीज है, एक अहम चीज है, ये जो अफ्रीका मैं बनाता हूं कुछ ऐसा, और इसमें मैं ये बनाता हूं ऐसा, तो बच्चों ये है एशिया, पश्चिमी एशिया, अरब का प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, और ये अफ्रीका है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत बताए थे, यहां पर क्या हुआ है, ये विगत काल में जुड़े हुए थे, ये जुड़ा हुआ था, ये बाद में टूट गया है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट ऐसे गई, ये प्लेट ऐसे गई, ये प्लेट ऐसे गई और ये प्लेट ऐसे गई, तो इसमें दरार आ गई। कौन सी? अपसारी सीमा। अपसरण हो रहा है? नहीं, अपसरण सिखाया था, तो यहां अपसरण हो गया। अपसरण से क्या होता है? यहां पे खाई बन गई, और उस खाई में क्या हुआ? यहां पे पानी था, पहले यहां सब पानी था, तो खाई बनी तो उसमें पानी घुस गया और ये भर गया। समझ में आया? लेकिन बाद में क्या हुआ? एक और अपसरण होना शुरू हुआ यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका की प्लेट तो यहीं जा रही थी, ये छोटा सा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये थोड़ा ऐसे बेवफा निकला, ये टूट के जा रहा था, पर पूर्ण रूप से टूटा नहीं, पूर्ण रूप से टूटा नहीं। तो यहां पर एक भ्रंश का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। समझ में? अगर भ्रंश पूरा हो जाता तो क्या बन जाता? अगर भ्रंश पूरा हो जाता तो बच्चों कुछ ऐसा बन जाता अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका टूट जाता और ये भी टूटा हुआ है। समझ में आया सभी बच्चों को? ये तो एशिया हो जाता, ये अफ्रीका हो जाता, और ये क्या है? सोमालिया वाला, ये टूट जाता, लेकिन नहीं टूटा। लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि अपसरण हो रहा था। अच्छा तो वहां पे खड्ड बन चुका है, भ्रंश बन चुका है, गहरी खाई बन चुकी। उस खाई में जैसे जैसे जल आता गया, थोड़ा बहुत वर्षा का आ गया, इधर का उधर का, तो उससे जो है झीले बन गई, लेक, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगियानीका और मलावी और न्यासा। जल्दी से देखिए क्या इनमें से कोई भी झील आपको इस क्षेत्र में मिल रही है? जरा देखिए, जो मिल जाएगी मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा।
सर क्या है, फ्यूचर में अलग हो जाएगा? बेटा लगता तो ऐसा ही था भूगर्भ शास्त्रियों को कि फ्यूचर में अलग हो जाएगा, बट किन्हीं कारणों से ये अभिसरण रुक गया है। शुरू तो हुआ था लेकिन रुक गया। तो मियां बीवी में लड़ाई तो शुरू हुई थी, तलाक होने के पूरे आसार थे, लेकिन किन्हीं कारणों से ये मान गए हैं तो अब तलाक नहीं होना है। समझ में आया? फिर कुछ मिली? ऐसे कुछ नाम होगा बच्चों, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगनिका, मलावी, आपको एक भी मिल जाएगी मेरा काम चल जाएगा। इन झीलों को क्या कहा जाता है? ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स, ग्रेट रिफ्ट वैली लेक्स। अरे सर ये अंग्रेजी ने मूड ऑफ कर दिया मेरा, सर बुरा खसाना खराब कर दिया सर, मूड बनाइए। महान रंज घाटी झील। हाँ सर अब थोड़ा सा लग रहा है भारतीय था सर, ये क्या आप अंग्रेजी बोल देते हैं। सुनो, भारतीय अपना मुकाम इसलिए पा पाए कि अपनी भाषा पे गर्व करते हैं और दूसरी भाषा की जब जरूरत होती यूज भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जिन लोगों को नहीं मिला, अभागे भी तो है ना, अभागों का क्या किया जाए? तो अभागों के लिए बेटा एक तो ये तंगानिका दिख गई। तंगानिका कहाँ पर है? तंजानिया, तंजानिया जाम्बिया के बॉर्डर दिख गई। और ये है मलावी, मलावी दिख गई बच्चों, लेक मलावी, ये देश भी है मलावी, मोजाम्बिक से जुड़ा हुआ। अभागे लोगों के लिए, जितने भी अभागे हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, विक्टोरिया झील मिल गई, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया मिल गई। विक्टोरिया के साथ मैंने हमेशा के लिए याद कर रखा था अर्बन, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, अंग्रेजी में बच्चों एक शब्द है अर्बन। अर्बन का मतलब क्या है? शहरी। तो पता नहीं मैं जब परीक्षा दे रहा था तो मैंने कहा इसे याद कैसे करूं अर्बन, तो यू आर बी, यू आर बी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, मिल गया। तीन देश हैं इसके आसपास, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यहीं पे मिल जाएगी। एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तांगानिका, जल्दी से देख लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। इन्हीं देशों में छोटे छोटे देश हैं। अर्बन से याद रहेगा, अर्बन मतलब शहरी, अंग्रेजी शब्द है अर्बन, यू आर बी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इन तीनों देशों में बहुत सारी त्रासदियां हुई हैं, लेकिन अब इनकी राजधानियां काम कर रही हैं। कंपाला इसकी राजधानी, किगाली इसकी राजधानी, बुजुम्बिरा इसकी राजधानी। अभी आपने ओजोन के लिए एक सम्मेलन हुआ था, आपने कई बार सुना होगा किगाली घोषणा पत्र, किगाली ये है। तो यहां पर देशों में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इनकी राजधानी जो अर्बन है वो है। तो यू आर बी, तीन देश याद हो गए यहाँ के, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, यू आर बी, यू आर बी, अर्बन से याद करेंगे। और इन्हीं इन्हीं के जमघट में वो झीलें आ जाती हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, मलावी। अब ये मत कहना सर मेरे मैप में नहीं दिखता, इसलिए मैप बना के दिखा दिया, बना के दिखा दिया, यहीं पर है कि सब जगह मिलते रहे, ठीक है। सब लोग बढ़िया मजे में, ये भी पता चल गया झील कैसे बनी, ये झीलें कैसे बनी, ये वो फाड़ घाटी है, यहाँ पे पृथ्वी फट रही थी, पृथ्वी फट रही थी। आपको नहीं लगता जब आपने रामायण में सुना कि माँ सीता ने पृथ्वी फटी और माँ सीता उसमें समा गई, वो एक सोच जो है, वो जो एक सोच है वो अपसरण की सोच है। सोचिए हमारी सोच में, हमारे हमारी कथाओं में भी कुछ ऐसी बात थी कि हमें भूमि के फटने की समझ तब भी थी। समझ में आया? सोचिएगा यहाँ विश्व में भूगोल वेत्ता लगे, तब प्लेट टेक्टोनिक्स 1960 में बनता है, उससे पहले हम माँ सीता की बात करते हैं, पृथ्वी फटी, एक दरार आई और माँ सीता उसमें जाती हैं। तो जो पृथ्वी फटने की बात है, जो हम ऐसी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर एक सोच थी, लेकिन वो कितनी इतनी वैज्ञानिक थी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं गया, बहुत कुछ लिखा नहीं गया, तो वो कहीं पर होता है, ठीक है। तंगानिका का पठार भी है, अरे जान लोगे क्या, मेरा सारा का सारा एरिया ही पठार है। अब बताओ यार, कोई कह रहा सर तंगानिका का पठार भी है, पहले कुछ नहीं दिख रहा था, अब हर चीज दिख रही है। अरे मैं तो, जिसने भी लिखा है भाई, मैं तो पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ ये सारा का सारा क्षेत्र पठार है बच्चों, मेरे लिए तो सारा का सारा क्षेत्र पठार है। मैं तो आपको पढ़ा लिखा बना रहा हूँ, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, तंगानिका, मलावी, मेरे लिए सब पठार है बच्चों। कोई कह रहा सर तंगानिका पठार, बेटा सब पठार है, पठार में ही तो सारी चीजें। समझ में आया सभी को?
सभी लोग मेरे साथ, क्लियर? सर न्यासा नाम भी है बच्चों, मलावी का नया नाम न्यासा है, मलावी का नया नाम न्यासा है। ये कौन सी झीलें आएंगी? भ्रंश घाटी झीलें, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी झील नहीं है। विक्टोरिया झील के चारों तरफ ये झीलें हैं लेकिन भ्रंश घाटी झील नहीं है। एक और बात बताऊं, जब धरती फटेगी तो मैग्मा भी आ सकता है ऊपर, ध्यान दीजिएगा, फटेगी तो मैग्मा भी आ सकता है। इतने लोग यहाँ समझदारी से मुझे बताएंगे कि अभी आप लोगों को कारण मिल गया कि कैसे किलीमंजारो और कीनिया में ज्वालामुखी आए। ये इत्तफाक नहीं है, यहाँ आए क्योंकि यहाँ पर ऐसी एक भूगर्भिक अवस्था हुई, ऐसी एक घटना हुई कि पृथ्वी फटी, वहां दरार भी आई, भूकंप भी आए और निचले क्षेत्रों में पानी के जमाव की वजह से झील भी बनी। ठीक है, क्लियर सभी लोग? क्लियर है? नदी झील नाम पता चल गए, ये भी झीलें कुछ मैंने लिख दी। ठीक है, सब खत्म, टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, अब टेस्ट होगा, टेस्ट हो जाए। देखिए आप सब सब चीजें समझते जाएंगे, सब चीजें जुड़ती चली जाएंगी। पहले किसी ने पूछा सर वहां अकेली चोटी कैसे आई, मैंने कहा वोल्केनो से आई, आपने खुद ही कहा वोल्केनो से आई, और धीरे धीरे क्योंकि हमने वो सिद्धांत किया था हम वोल्केनो से जोड़ भी पाए। कल की क्लास कोई महाद्वीप नहीं कराया जाएगा, कल दिए जाएंगे आपको जलवायु के सिद्धांत। कल की क्लास का नाम जलवायु के सिद्धांत, ताकि हम ये जो तीन महाद्वीप किए हमने इनकी जलवायु मरुस्थलीकरण के जितने भी कारण हैं वो समझ सके, क्योंकि अब हमारे सोच का विकास हो चुका है, अब हमें झीलें सूखती हुई दिखाई दे रही हैं, हमें जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब मेरी क्लास तैयार है कि मैं उनको थोड़ा सा जलवायु की समझ दूं। तैयार हैं सभी लोग? ठीक है, और कितने लोग ये मानते हैं कि कल अगर आपने, बल्कि 2 दिन से कह रहा हूं, अगर आपने अफ्रीका पढ़ना शुरू कर दिया होता, अपनी एटलस में अफ्रीका को देखना शुरू कर दिया होता, ये जो खान सर का हमने जो एक पीडीएफ डाला हुआ है अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आपकी क्लास में समझ ज्यादा बेहतर होती कि नहीं? अभी जिसने कभी मानचित्र भी नहीं देखा उसकी सारी ऊर्जा किसमें लग जाएगी? मानचित्र देखने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, मानचित्र देखने में। लेकिन जो घर से ही मानचित्र देखता है, जिसको आदत हो गई मानचित्र देखने की, उसकी ऊर्जा अब कहां जाएगी? सचिन सर कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, सचिन सर लिंक भी दे रहे हैं। मेरा आप सब से आग्रह है, अनुरोध है, आप सब बहुत अच्छा करना चाहते हैं, 2 कदम ले भी लिए हैं, अब घबराओ मत यार, थोड़ा और आगे बढ़ो ना, 1 कदम आगे बढ़ो, मुझसे 1 कदम आगे रहा करो। चलिए बीच में विषुवत रेखा ई बना लेंगे, एक एक्सटेंशन, फ्राइंग पैन, हॉकी स्टिक, नीचे आ गए सीधी रेखा थोड़े थोड़े बेंड के साथ, 1 2 3, सभी लोग मेरे साथ यहां पर क्या करेंगे? ऐसा कुछ खींच देंगे, एक मार्क, और यहां पर क्या करेंगे? समानांतर रेखा खींच देंगे। बन गया, टेस्ट के लिए तैयार? टेस्ट के लिए तैयार सभी लोग? मैं डालना शुरू करूं? आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ एंट्री डालनी है। जो लोग रेगुलर मेरी क्लास में आ रहे हैं आपको पता है टेस्ट कैसे दिया जाता है, जो आज पहली बार आया उसके साथ काफी काफी अत्याचार हुआ है, फिर अनुरोध है पहली क्लास से देखें। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इधर उधर कहीं पर यूट्यूब में देख लिया, उधर देख लिया, तो आप विश्वास कीजिए जो बच्चे रेगुलर क्लास में, जो बच्चे यूट्यूब में, रेगुलर क्लास के बच्चों ने जो फीस दी है विश्वास कीजिए हमने बहुत कम फीस कर दी है। और मेरा ये मानना है अगर मैं किसी चीज को 5 रुपए दे कर लेता हूं ना तो मेरे मन में आता है उस 5 रुपए की कीमत मैं पूरी की पूरी वसूल करूं। लेकिन जो चीज हमें फ्री में मिल जाती है उसे हम कैसे देखते हैं? 4 वीडियो ये देखे वो देखे। आप सब लोग एकदम प्रेरित हैं, अपनी कॉपी कलम मैटलस लेके बैठते हैं, तो अपनी तुलना किसी भी ऐसे उससे मत करिएगा जहां पे सिर्फ एक फ्री प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसने कभी क्लास देखी कभी नहीं देखी। और जो लोग फ्री प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स का सच में कोई लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे सचमुच में एक डिसिप्लिन वे में क्लास की तरह देखिएगा तो लाभ होगा।
अन्यथा टाइम तो सबके पास है, बर्बाद आप कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? कहाँ से शुरू करें? कांगो नदी से शुरू करते हैं। कांगो नदी विषुवत को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर को 2 बार काटती है। 3 नंबर नील नदी, नाइल नदी। 4 नंबर पे मुझे दे दीजिए टाना झील, टाना झील। 5 नंबर पे विक्टोरिया भी दे दीजिए, विक्टोरिया झील। 6 नंबर पे मुझे दीजिए टैड झील, जो सूख चुकी, टैड झील। 7 नंबर पे एक विशेष झील बता रहा हूं, 7 नंबर पे एक विशेष झील, जो आपकी ब्रंच घाटियां झील है ना, उनमें बहुत सारी बताई, एक झील को कभी मत भूलिएगा, कांग्या निका झील। तांग्या नीका झील, इसको हमेशा याद रखिएगा। तांग्या नीका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी है, विश्व की सबसे दूसरी सबसे गहरी झील। सबसे गहरी झील है रूस में बैकाल झील, बैकाल के बाद आती है तांग्या नीका झील, इसे नहीं भूलना है, ब्रंच घाटी की झील है। 8 नंबर पे क्या दूं क्या दूं क्या दूं तो मुझे मुझे अहगार अहगार पठार दे दीजिए। अहगार का पठार या होगार का पठार, होगार का पठार याद है? अच्छा, 8 हो गए, 8 हो गए। 9 नंबर पे मुझे एक द्वीप दे दीजिए जिसमें मैंने चक्रवात की बात की, चकोत्रा। चकोत्रा नहीं यार, हिंदी में देता हूं, चकोत्रा, चकोत्रा द्वीप। यहीं पर मुझे एक देश दीजिए जिबूती, जहां पर हमने ऑपरेशन राहत चलाया, भारतीय मूल के लोगों को बाहर निकाला, जिबूती देश में लेकर गए हम उन्हें। 12 नंबर पे मुझे दे दीजिए एक पर्वत चोटी दे दीजिए, कौन सी देंगे? किली मंजारो दे दीजिए, किली मंजारो। तंजानिया में है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। 13 नंबर पे एक और चोटी थी तुबकल, तुबकल नाम की पर्वत चोटी। 14 नंबर पर आप मुझे क्या देंगे? मुझे दे दीजिए ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग जिसको वास्को डगामा ने देखा एक दीवार की तरह से, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, उसके पर्वत कह लीजिए, या फिर इसको आप पठार का सिरा कह लीजिए। मिटुम्बा मुचिंगा कई लोगों को मिला नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ देता हूँ। मिटुम्बा मुचिंगा में बहुत लोग दुखी चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक एक एक, एक 15 आ गए क्या? बहुत जल्दी आ गए, 11 में खा गया ना, देखो मेरी गिनती भी सही नहीं जा रही है। 11 में मुझे क्या दोगे? 11 में मुझे दे दो मेडागास्कर द्वीप दे दो यार, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप, मेडागास्कर द्वीप दे दो। 15 नंबर में मुझे 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 कैनेरी द्वीप दे दो, कैनेरी द्वीप। 16 नंबर में बच्चों मुझे जिब्राल्टर की जल संधि दे दो, जिब्राल्टर जल संधि। 17 नंबर में मुझे बाबल मंडप दे दो, बाबल मंडप, बाबल मंडप की जल संधि, बाबल मंडप की जल संधि। 18 में बच्चों मुझे दे दो सुएज की नहर, सुएज कनाल, सुएज कनाल। ठीक है, और जो लोग कुछ कह रहे हैं, सर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब मास्टर ने बताया कांगो नदी लेकिन इसको समझ नहीं आया, कांगो नदी विषुवत को 2 बार काटती है, समझ नहीं आ रहा सर क्या ही कर लूंगा। तो मैंने कहा इतना खखोर हो गए तो हम तो अपना पश्चाताप कर रहे हैं, हमने मास्टर को खखोरा था, अब हमें खखोर लीजिए। तो 19 नंबर में जो एकदम अभागे महसूस कर रहे हैं, उनके लिए 19 नंबर वाले सहारा ढूंढ दो यार, आपको सहारा दे रहा हूं, सहारा मरुस्थल ढूंढ दो। और 20 नंबर वाले अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, जहर मत खाना, कर्क रेखा ढूंढ दो, और कर्क भी नहीं मिल रही तो मकर ढूंढ दो, मकर भी नहीं मिल रही तो विषुवत ढूंढ दो। अगर ये भी नहीं मिल रही,
अपने आप को खोज लो, काहे यहां पहुंच गए। कोई 18/18 कह रहा है, प्रश्न मेरे 20 हैं, इतना मतलब जोश मत दो, जल्दी से डालो। कोई कह रहा है सर एकदम इजी लग रहा है, देखिए जब कर रहे थे तब आप मुझे बहुत बुरा भला कह रहे थे, अरे यार इतना सारा करा रहा है कैसे याद रहेगा। ये मेरी गारंटी है कि वो याद भी होगा, याद भी होगा अगर क्लास में एकाग्रता से हैं, क्लास में सारी बातें सुन रहे हैं, इसका पूरा परिचय ले रहे हैं, इस महाद्वीप का, इस महाद्वीप की स्थलाकृति ले रहे हैं, इस पे हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, वो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप उसमें अटक गए, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं आ रहा, वो पीछे वाले बंदर को बंद नहीं किया, तो समस्या है। उत्तर दे दूं, फिर आप कहते सर उत्तर नहीं दिया। एक नंबर कांगो नदी, दो नंबर लिम्पोपो, लिम्पोपो, और 20 नंबर क्या है, मकर रेखा भी डाल दूं, मकर रेखा काट देते, दो बार काट दिया, इसको हमने विषुवत को काट दिया। नील नदी, ये नहीं, नील नदी यहां से आती इथियोपिया की एक टैना झील, और यहां पर विक्टोरिया जो विषुवत रेखा पर है, तो टाना मेरी 4 नंबर हो गई बच्चों, 3 नंबर नील हो गई, और 5 नंबर विक्टोरिया हो गई। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये झीलें बन रही हैं, किसकी झीलें बन रही हैं, ये झीलें बन रही हैं घाटी की, कौन सी घाटी की, ब्रंच घाटी की, और यहां पर आती है तंगानिका, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, 7 नंबर। अच्छा, 4 झील तो सर यहाँ थी साहेल में, साहेल समझ में आया बच्चों को। बहुत सारी चीजें मैं लेकर आता हूँ बच्चों, मैं जलवायु की चीजें लाऊंगा, आबादी की चीजें लाऊंगा, आतंकवाद की चीजें लाऊंगा, सब आपकी समझ विकसित करने के लिए, और एक दिन में विकसित नहीं होगी, विश्वास कीजिए। जैसे जैसे मैं आपका विश्व भरता चला जाऊंगा, आपका दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ आएंगी, बहुत सुंदर लगेगा, आपको अपने पर गर्व होगा। ठीक है, तो एक नंबर ये हो गया, कहां तक पहुंचा मामला, 7 तक पहुंच चुका है, 8 हो गया अहगार, तो अहगार का पठार ये है, इस पे रंग बदल देते हैं, पठार भैया आपका रंग ऐसा, पठार, अहगार हो गया 8 नंबर। 9 नंबर में सकोत्रा, सकोत्रा यहाँ पर था 9 नंबर, एक छोटा सा ये जिबूति यहाँ पे था सर, जिबूति में यहाँ पर हमने अपने नागरिकों को निकाला। 11 नंबर में तो मैडागास्कर है सर, ये तो अपना ही है सर। 4 नंबर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप हो गया 11 नंबर। 12 नंबर में किलिमंजारो, सर किलिमंजारो विषुवत रेखा के थोड़ा नीचे, और यहाँ पर है सर, और यहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं, अच्छी बात है। 12, उसके बाद तुबकल, तुबकल सर एटलस का था। 13 यहाँ हो गया। 14 क्या था सर, ये ड्रेकन्सबर्ग, जब यहाँ वास्को डगामा गए होंगे अपने जहाज से, तो उन्होंने ये दीवार देखी होगी, ये दीवार देखी, तो इसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग का संख्या बताइए, 14 नंबर। द कैनेरी यहाँ पर है, मदेरा, मदेरा, फिर यहाँ पर है कैनेरी, फिर यहां पर है केप वर्डे सर, तो ये द्वीप है। कनेरे का नंबर 15 नंबर कनेरी हो गया। 16 में सर जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि बहुत अहम जलसंधि सर, यहां पर है, ऊपर यूके नीचे स्पेन का कब्जा, जिब्राल्टर 16 नंबर। यहीं पर आएगी बाबल मंडप सर, यहां से एक बहुत काम की चीज निकलती है, बाबल मंडप 17 नंबर। उसके बाद है 18 नंबर क्या है, सुएज की नहर सर, यहां है सुएज की नहर 18 नंबर। 19 में सहारा सर, सहारा, और कर्क रेखा जिनको नहीं मिली उनके लिए कर्क रेखा भी होगी। बच्चों मैं गारंटी दे रहा हूं, जितना ज्यादा इस प्रक्रिया के साथ रहोगे, इस प्रक्रिया से नहीं लड़ोगे, आपकी सोच बृहत, समझ विकसित होगी, और आपको बिना याद किए चीजें अपने आप खटकेंगी, यार ये यहाँ होगा, ये वहां होगा। अभी तो बहुत सी चीजें नहीं पूछी है, एक बार जरूर जाकर क्लास में जो बताया गया, लिखवाया गया, दोहरा लीजिएगा। जरूरत पड़ती है तो मेरी क्लासेस को 1.5x पे देख लीजिए, 1.75 पे देख लीजिए, काम आएंगी। मैं ये बता रहा हूँ, ये वर्षों में ये सारी चीजें इकट्ठी की है, एकत्रित की है, आपको कुछ घंटों में जाकर निचोड़ देता हूं, आपको भी थोड़ा समय देना होगा। आशा है आप इसमें आशावान भी हैं, अपना जोश भी हाई रखे हुए हैं, और जब आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप अपनी प्रशंसा भी करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि मैं इसमें अपनी मांग कम नहीं करने वाला हूं, इसमें पास मार्क्स 20 ही रखूंगा, मैं इसमें कोई बेईमानी नहीं करूंगा जब तक मेरा बच्चा 20 नहीं लाएगा। हाँ ये जरूर है, बहुत से लोग हैं 95% हौसला रखे होंगे, 5% जरूर छोड़ेंगे, मैदान छोड़ने वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीजें, हो सकता है आप अभी प्रेरित ना हो सकता है आपकी सोच वैसी ना, कोई दिक्कत नहीं। कल की क्लास क्या है? कोई महाद्वीप नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कोई महाद्वीप नहीं है, तो बच्चों इशारा समझिए, ये समय है तीन महाद्वीपों को एक बार रिवाइज कर लेने का। सर हमें समय दे रहे हैं, बीच में सिद्धांत इसलिए लेकर आ जाता हूं कि सिद्धांत भी आ जाए और साथ में हमें महाद्वीप को समझने का, एक बार फिर से दोहराने का मौका मिल जाए। आशा है आप मेरी शैली के साथ जुड़ जाएंगे, आप इससे लाभान्वित होंगे और सबसे बढ़िया काम करेंगे, विश्व भूगोल ही नहीं पूरा का पूरा भूगोल आपका इतना ज्यादा आकर्षक, इतना आनंददायी कर दूंगा कि आपको लगे यार ये सब्जेक्ट तो बिना पढ़े भी मैं बहुत अच्छा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया मुझे 2 घंटे देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।